हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से जुडिशरी वर्ल्ड के इस चैनल पे। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आपका पर्सनल लॉस, और पर्सनल लॉस का एक ऐसा रिवीजन करेंगे कि आपके 25-30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें आप कॉन्फिडेंटली 90% क्वेश्चन आपके कर लेंगे। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम बस सिंपल सा एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं फैक्ट बेस्ड। देखिए, सीधा सीधा ये पूछा जाता है आपसे पर्सनल लॉ में कि ये क्या है, वो क्या है, ये सोर्स कौन सा है, ये सोर्स का जेनेसिस क्या है, मैरिज के लिए एज क्या है, और ये वैलिड मैरिज है या वॉइड मैरिज है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, बस इन्हीं सारी दिक्कतों या इन्हीं सारी मुश्किलों को हल करने के लिए हम आज का ये सेशन लेकर गए हैं, और आप सबकी डिमांड पे ये सेशन को लेकर गए हैं। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या मैं प्रॉपरली विजिबल हूं और ऑडिबल हूं आप लोगों को? नो वॉइस, लेट मी चेक। वॉइस तो प्रॉपर है, वॉइस आ रही है आप लोगों को? चलिए, वॉइस ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, वेरी गुड इवनिंग सबको। शालिनी गुड इवनिंग, हाँ जी मनीष गुड इवनिंग। चलिए बढ़िया, चलिए चलिए तो स्टार्ट करें। यस शालिनी, ज्वाइन कर लिया मैंने अन अकेडमी, गुड इवनिंग। यार ये नाम तो आप लोग अपना रख सकते हो, ये अब्बा डब्बा जब्बा क्या है? ऐसे में कैसे आपको एड्रेस कर सकता हूं बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं पर्सनल लॉ का रैपिड रिवीजन है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम सोर्सेस से। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब मुस्लिम लॉ हम पढ़ेंगे फ्यूचर में अन अकेडमी में कोर्स में, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ने का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये मुस्लिम रिलीजन का या इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ, और अरेबिया में या जो आज प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे सिटी ऑफ मक्का का क्या रेलेवेंस है, मदीना का क्या रेलेवेंस है, कैसे प्रोफेट साहब के बर्थ के टाइम पे क्या हालात थे, और उनके बाद बर्थ के बाद कैसे उनको देखा गया कि वो एक केव में जाकर के रहते थे, और गैब्रियल जिनको आप एक एंजल कह सकते हैं, उन्होंने प्रोफेट साहब को आकर के कुछ ज्ञान दिया, रेवलेशंस किए जो गॉड की तरफ से या अल्लाह की तरफ से उनको दिए गए थे, और उन्हीं चीज़ों को उन्होंने क्या किया, अपने कंपेनियंस को बताया, और उन कंपेनियंस ने उन सारी चीज़ों को लिखते गए, किसी जो भी चीज़ अवेलेबल थी उस पर उन्होंने उसको लिख दिया। वो जो वर्सेस थे, वो जो लाइनें गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एंजल के द्वारा भेजी गई थी प्रोफेट साहब को, अब उन लाइनों को कंपाइल करके क्या किया गया, उन वर्सेस को कंपाइल करके कुरान के फॉर्म में बना दिया गया। तो आप जानते हैं कि कुरान एक होली टेक्स्ट है इस्लाम में, और जब ये होली टेक्स्ट है, एक रिलीजियस टेक्स्ट है, तो पर्सनल लॉ पे इसका इफेक्ट होना भी बहुत ही आम बात है, या ये लाजमी है कि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा पर्सनल लॉ पे। तो जब हम पर्सनल लॉ के बारे में बात करते हैं और सोर्स के बारे में बात करते हैं, तो कुरान का जाहिर सी बात है कि एक सोर्स की तरह आना एकदम लाजमी है। तो सोर्स की अगर मैं बात करूं, देखिए पहले मुस्लिम लॉ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुस्लिम लॉ के लिए बोल रहे थे, तो पहले मुस्लिम लॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें डिफिकल्टी आती हैं कुछ बच्चों को, हिंदू लॉ कंपैरेटिवली इससे ईजी है, ज़्यादा ईजी है, इसलिए उसको हम बाद में कर लेंगे, अभी स्टार्टिंग में मुस्लिम लॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम सोर्सेस पे आए, तो कुछ आपको यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेस लिखे हुए दिख रहे होंगे, बोर्ड सबको विजिबल है ना प्रॉपरली? अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो बता देना। अब इन प्राइमरी सोर्सेस में अगर मैं बाइफरकेशन करूं, तो ये चार प्राइमरी सोर्सेस आपको मिलते हैं। एक आपका कुरान हो गया, इसके बाद सुन्नत है, इसके बाद इज्मा है, इसके बाद कियास है। अब इन सोर्सेस में आपको क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है सोर्सेस में से
कि इनमें से प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है। तो प्राइमरी सोर्स में आप इन चार सोर्सेस को लिखेंगे, इन चार सोर्सेस को याद करेंगे, लिखना तो है नहीं, ऑप्शंस हैं, एमसीक्यूज हैं, तो इसमें से टिक करना है आपको, ये याद रख लीजिए। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक एक लाइनें आपको बता देता हूं। तो कुरान को मैंने ये बता दिया आपको पहले ही कि प्रोफेट साहब को ये रिवेलेशंस किए गए थे गैब्रियल द्वारा, जो कि एक एंजल थे, और उन्होंने उन वर्सेस को लिख दिया, लिखवा दिया उनके डेथ के बाद। एक्चुअली कंपाइल किया गया जो अलग अलग जगहों पे लिखे हुए थे वर्सेस, और वो कुरान के फॉर्म में यहाँ पे है। बहुत सारे वर्सेस हैं कुरान में, उनमें से आप ये कहें कि बहुत ही थोड़ा सा परसेंटेज है जो लॉ से डील करता है, और उसमें से भी बहुत थोड़ा सा परसेंटेज है जो कि पर्सनल लॉ से डील करता है, जिसमें मैरिज से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड कंसेप्ट हैं, और डावर से या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट हैं। तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है कुरान का जो उससे डील करता है, बट स्टिल अगर कोई बात कुरान में लिखी हुई है मैरिज से रिलेटेड या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड या फिर मान लीजिए मेंटेनेंस या फिर डावर से रिलेटेड, तो उस बात को ही माना जाएगा, किसी और बात को नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये फॉरमोस्ट और मोस्ट प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का, जब हम सोर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, कुरान के बाद आता है सुन्नत। अब ये सुन्नत या हादिस ये होता क्या है? अब देखिए, प्रोफेट साहब के कुछ वर्ड्स थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं रेवलेशंस के बारे में, यानी कि जो प्रोफेट साहब को बताया गया गॉड के द्वारा, उनको तो उन्होंने एज इट इज बता दिया अपने कंपेनियंस को, उन वर्ड्स को, उन वर्सेस को, और उसको कुरान के फॉर्म में कंपाइल कर दिया गया। कुछ ऐसी चीजें थी जो गॉड के द्वारा बताई नहीं गई, लेकिन गॉड की इस नॉलेज से इंस्पायर होकर के उन्होंने ये वर्ड्स बोले, और ये वर्ड्स बोले या फिर ये ओपिनियंस दिए अपने प्रोफेट साहब ने। तो प्रोफेट साहब के जो वर्ड्स थे अदर देन कुरान किसी भी मैटर में, उनको ही हम सुन्नत मानते हैं, कि ये प्रोफेट साहब के शब्द हैं और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं किसी सब्जेक्ट मैटर पे। और हम क्योंकि अभी पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो पर्सनल लॉ में अगर प्रोफेट साहब ने कुछ बोला है या कुछ किया है, क्योंकि इसमें एक्शंस भी हैं, तो उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी हम मान लेते हैं कि ये एक सुन्नत है या फिर एक वैलिड सोर्स ऑफ लॉ है, और उसकी वैलिडिटी होगी किसी और सोर्स के ऊपर। यानी कुरान और कुरान के बाद आप देखेंगे तो सुन्नत का ही वैल्यू है। ठीक, अब सुन्नत की बात करते हैं। देखिए, सुन्नत में भी बताया गया कि तीन तरीके के सुन्नत हैं, सुन्नतुल क्वैल, सुन्नतुल फैल और सुन्नतुल तहरीर। अब इसमें क्या है, देखिए, जो वर्ड्स प्रोफेट साहब ने बोले अदर देन कुरान और जिसको लिख दिया गया, वो प्रोफेट साहब की सुन्नत हो गई और वो सुन्नतुल क्वैल है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो सुन्नतुल फैल, इसमें क्या है, एक्शंस, जो प्रोफेट साहब ने एक्शंस किए अपने जीवन में, जो काम किए उन्होंने, वो सारी चीजें क्या बन गई, सुन्नत उल फैल। यानी जैसे कि प्रोफेट साहब ने फोर मैरिजेस, चार शादियां की थी। अब ये चार शादियां, क्योंकि इस्लाम में भी अगर आप देखें कि चार शादियां वैलिड हैं, ये बातें आती कहां से हैं, ये बातें सुन्नत से ही आती हैं। प्रोफेट साहब के ये एक्शन थे, ये उन्होंने किया था खुद, इसलिए हम उसको एक प्योर एक्शन मानते हैं, और ये मानते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी है, या अल्लाह का जो आप कह सकते हैं कि जो विजडम है, जो उस विजडम को जब रिवील किया गया प्रोफेट साहब के, तो प्रोफेट साहब ने उनके विजडम के बेसिस पे ये कुछ चीजें की हैं, तो वो चीजें भी एक वैलिड चीज है या अप्रूव्ड चीज है विद इन द सोसाइटी, इसलिए ये एक वैलिड सोर्स ऑफ लॉ बन गया। अब तहरीर क्या है, देखिए, ये है जब प्रोफेट साहब किसी चीज को साइलेंटली अप्रूव कर देते हैं, यानी कि अगर उनके सामने कोई चीज होती है और उन्होंने उस चीज को नकारा नहीं है, उसको डिसअप्रूव नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हम एक छोटी सी चीज, कि अगर प्रोफेट साहब कहीं पे हैं और प्रोफेट साहब के सामने दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि हम अब फ्यूचर में मेंटेनेंस को लेकर के ऐसी चीजें करेंगे, मान लो एक मेल है और एक फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, और मेंटेनेंस को लेकर के वो एक अग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं प्रोफेट साहब के सामने, प्रोफेट साहब इसको डिसअप्रूव नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि प्रोफेट साहब ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो साइलेंटली, अगर साइलेंस के थ्रू उन्होंने किसी चीज को अप्रूव कर दिया है, तो वो भी एक सुन्नत मानी जाती है, सुन्नत उल तहरीर इसको आप कह सकते हैं, ये भी एक वैलिड सोर्स ऑफ लॉ है या एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है,
मुस्लिम लॉ की जब हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका इज्मा। अब देखिए इज्मा क्या है, इज्मा ये है ओपिनियन। अब हम प्रोफेट साहब के आगे बढ़ चुके हैं, प्रोफेट साहब के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ओपिनियंस मैटर करते हैं जब हम मुस्लिम लॉ के सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेट साहब के कुछ कंपेनियंस रहे होंगे जो उनके साथ रहते थे, उनके दोस्त मित्र आप कह सकते हैं, या जो उनके उस नोबल कॉज में उनके साथी थे। अब उन लोगों के भी कुछ ओपिनियन हो सकते हैं सोशल लाइफ से लेकर के, पॉलिटिकल लाइफ को लेकर के, या लॉ को लेकर के कुछ ओपिनियन उनके हो सकते हैं। अब इन्हीं ओपिनियंस को किसके फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है, इज्मा के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो भी कंपेनियंस थे प्रोफेट साहब के, उनके ओपिनियंस को क्या कहा जाता है, इज्मा कहा जाता है। और इज्मा क्या है, ये भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। एंड लास्टली है आपका कियास। अब देखिए कियास क्या है, यहां पे साथ में लिखा हुआ एनालॉजिकल डिडक्शंस, हिंदी में लिखा करें। अच्छा ठीक है, हिंदी में कोशिश करेंगे। लेकिन आलोक जी बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि हिंदी में क्योंकि फॉर्मेट्स आपको पता ही है कि पीपीटीज बनाने वाले, वहां पे फिर लैंग्वेज को ऐड करना, वो एक थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। लेकिन कोशिश हम करेंगे, अगली बार से प्रयास मैं करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा जाए, सारे लोगों का ही फायदा हो। तो इज्मा या क्यास के बारे में बात कर रहे थे, एनालॉजिकल डिडक्शंस के बारे में। कोशिश मैं करूंगा पूरा मुस्लिम लॉ कराने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। पूरा का मतलब यह है कि हर पार्ट से क्या इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए जल्दी जल्दी बात करते हैं अब कियास के बारे में। बहुत डिटेल में मैं बातें नहीं करूंगा आपके साथ, जहां से क्वेश्चन बनता है बस उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, और कैसा क्वेश्चन बनता है इसके बारे में बात करूंगा आपसे। अब देखिए कियास के बारे में बात करते हैं, कियास या फिर एनालॉजिकल डिडक्शन। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट मैटर है, कोई एक टॉपिक है जिसपे कुरान भी साइलेंट है, जिसपे सुन्नत भी नहीं है कोई, जिसपे इज्मा में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, कि कोई किसी कंपेनियन का कोई ओपिनियन नहीं है। अब इस मैटर में क्या किया जाए, या फिर कोई एक सुन्नत लिखी हुई है, कोई एक सुन्नत है जिसका मतलब समझना या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, डिफरेंट मतलब निकल सकते हैं इसके, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, ऐसी सूरत में क्या किया जाता है। तो जो एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है किसी सुन्नत का, कुरान के किसी वर्सेस का, या किसी इज्मा का, इसी को हम कियास कहते हैं, एनालॉजिकल डिडक्शन। कि देखिए एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन में सुन्नत ये कहती है, लेकिन इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या ये होना चाहिए या इसका मतलब ये होना चाहिए, यही इसी का जो बेसिस है वो कियास है। अब ये कियास लगाता कौन है, होता है ना एक वर्ड आपने सुना है कि कियास लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा, तो वही कियास लगाने वाली बात है। अब ये किससे रिलेट करती है, रिलेट करती है देखिए स्कूल्स से, अभी हम आगे स्कूल्स पे आने वाले हैं। तो यही जो कियास है ना, ये अलग अलग लोगों के, जूरिस्ट के ओपिनियंस हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, एनालॉजिकल डिडक्शंस हैं, किसके बारे में, कुरान के बारे में, सुन्नत के बारे में, हादिस के बारे में, ये अलग अलग डिडक्शंस हैं उनके, इसको हम कहते हैं कियास। इन सब में अगर आप देखें तो ये एक वीक सोर्स है, ये क्या है तो प्राइमरी सोर्स के अंदर ही आता है, लेकिन ये वीक सोर्स है क्योंकि यहां पे डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है, डिफरेंस इन ओपिनियन बहुत ज्यादा है। इस डिफरेंस इन ओपिनियन के होने की वजह से, डिफरेंस इन ओपिनियन के होने की वजह से ये बहुत ही स्ट्रांग सोर्स नहीं बन पाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी एक मैटर पे हनीफी स्कूल है, उसका कुछ और कहना है, कहीं पे इतना इसारिया स्कूल है, उसका कुछ और कहना है। तो इस मैटर में हम समझें क्या, किसके ओपिनियन को हम सही समझेंगे या किसको वैलिड माना जाएगा, ये दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम इसको वीक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कहते हैं, प्राइमरी सोर्सेज में ये एक वीक सोर्स है। अगर आपसे क्वेश्चन इस पे एमसीक्यू पूछा जाए कि प्राइमरी सोर्सेज में कौन सा एक वीक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, तो कियास एक वीक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो सारे सोर्सेस आप देख रहे हैं ये तो बहुत पुराने हैं, यानी कि अगर मैं कुरान के बारे में बात करूं तो हम कहां पहुंच चुके हैं, अभी हम 700 एडी में पहुंच चुके हैं, और वहां से मतलब लेटर 600 एडी या 700 अर्ली 700 एडी में पहुंच चुके हैं, और सुन्नत की भी लगभग वही कहानी है।
इजमा की भी वो या उससे आप थोड़ा सा और लेटर पीरियड समझ लें। तो ये तो बहुत पुराने सोर्सेज हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसी एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम की, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, ये सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ जो प्राइमरी सोर्सेज, ये तो सब जगह हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी होगा सब जगह ये वही सेम वैल्यू रखते हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ये तो चीजें है ही हैं, लीगल सिस्टम है, तो कुछ चीजें और भी होंगी। वो और चीजें क्या क्या हैं, देखिए प्रीसीडेंट्स हैं, जजमेंट्स हैं बहुत सारे, जो जजमेंट्स कई बार कहीं पे जब कोई सोर्स फेल हो रहा हो, प्राइमरी सोर्स फेल हो रहा हो, तो जजमेंट के बेसिस पे हम सोर्स को मान लेते हैं। आप सारी बातें भूल जाइए, आपको पता है कि शायरा बानो केस में क्या क्या किया गया था, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक, यानी तलाकुल बिद्दत को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, बोला ये कि ये मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये कहीं पे भी वैलिड नहीं माना जाएगा इसको। अब ये बात कहां से आती है, ये बात यहां से तो कहीं से नहीं आती है, ये बात निकल के कहां से आती है, एक प्रेसिडेंट से निकल के आती है, जुडिशियल डिसीजन से निकल के आती है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। वैसे ही लेजिस्लेशन की अगर बात की जाए, भाई बहुत सारे लेजिस्लेशन बना दिए गए भाई, जिसमें शरीयत एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वोमेन, प्रोटेक्शन मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज 1986 वाला, वक्फ एक्ट है, बहुत सारे लेजिस्लेशन हैं जो इस मुस्लिम लॉ के सोर्स बनते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे कुछ ना कुछ वो लॉ लेट डाउन करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर उससे ही गवर्न होगा। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के बारे में बात करें, तो अगर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 बताता है, कुछ ग्राउंड्स देता है कि इन ग्राउंड पे वुमेन डिवोर्स ले सकती है, तो उनको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। भाई यहां पे अगर आप देखेंगे तो डाइवोर्स के ग्राउंड आपको सिर्फ मेल के लिए मिलेंगे, फीमेल के लिए नहीं मिलेंगे। फीमेल के लिए अलग से ग्राउंड बना दिए गए, वो एकदम लेटेस्ट ग्राउंड, नए ग्राउंड है, इम्पोटेंसी का ग्राउंड बना दिया गया, किसी के कन्विक्शन का ग्राउंड बना दिया गया, अगर किसी को सजा हो जाती है तो वहां पे आप ले सकते हो, किसी डिजीज के बारे में बता दिया, लेप्रेसी हो जाती वहां पे डिवोर्स ले सकते हो। तो ये जो चीजें ऐड की गई, कैसे ऐड की गई, लेजिस्लेशन के द्वारा ऐड की कर दी गई है सोर्स में, तो ये भी क्या बन गया, एक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बन गया है। अब इसके बाद देखिए कस्टम्स की बात की जाए, तो कस्टम्स भी एक सोर्स ऑफ लॉ है, पर्टिकुलरली एक सेक्ट में, एक ट्राइब आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई मुस्लिम ट्राइब है और उस ट्राइब के अंदर एक कस्टम चला आ रहा है सदियों से, टाइम एम मेमोरियल से कंटिन्यूटी है, किसी प्राइमरी सोर्स से वॉयलेशन में नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है किसी कस्टम किसी लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट को वॉयलेट नहीं कर रहा है, तो ये कस्टम भी एक सोर्स ऑफ लॉ है और कस्टम चलता रहता है। कस्टम के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं, वो कॉमन है कस्टम के लिए, कस्टम टू बी ए सोर्स ऑफ लॉ वो कॉमन है, वो आप हिंदू लॉ में भी पढ़िए वहां पे भी वही कॉमन है, यहां पे भी वही कॉमन है कि भाई देखिए किसी एस्टैब्लिश लॉ के वॉयलेशन में नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एंटीक्विटी होना चाहिए, डिस्प्यूटेड ना हो, तो बस ये सारी चीजें अगर कस्टम में है तो फिर वो एक वैलिड कस्टम है और वो एक सोर्स ऑफ लॉ है। तो सोर्स ऑफ लॉ में इतनी बातें हैं बस मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो, ठीक। इसमें क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, देखिए सारे फैक्ट्स हैं, सुन्नत के बारे में टाइप्स याद रख लीजिएगा, क्वैल फैल और तहरीर, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये किसके टाइप्स हैं, तो ये सुन्नत के टाइप्स हैं भाई साहब, यहां से याद रख लेना आप, और कौन किससे रिलेट करता है प्राइमरी सोर्सेज में ये याद कर लेना, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी मीनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए आगे बढ़े, यहां पे किसी को कोई समस्या तो नहीं है, बता दीजिएगा कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड करिए, कोई प्रॉब्लम किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में बात करते हैं, स्कूल्स क्या हैं भाई साहब, इनको समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपसे बात किया, जब सोर्सेस के बारे में मैं बात कर रहा था, मैंने आपसे बात की कि क्यास जो है वो रिलेट करते हैं किससे, डिफरेंट ओपिनियन से रिलेट करते हैं, एनालॉजिकल डिडक्शंस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के। तो ये जो स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ है ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, इनके बारे में जानना भी हमें जरूरी है, और स्कूल का मतलब क्या है। स्कूल का मतलब बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि ये स्कूल्स ऑफ थॉट है, ये ओपिनियन के बेसिस पे, इनके बिलीव्स के बेसिस पे इनको अलग किया गया है एक दूसरे से,
इनका किसी न किसी पॉइंट पे मानना अलग है। देखिए कुछ लोग हैं वो मानते हैं कि अली को जो है वो ट्रू सक्सेसर मानते हैं, उनको उनका मानना है कि ये जो है खलीफा ये असली खलीफा हैं और इनके बाद जो इनकी पीढ़ियां हैं उनको वो खिलाफत खलीफत में जोड़ते हैं, यानी कि वो खलीफा हैं वो सारे लोग। अब ये ओपिनियन एक सेक्ट का है, दूसरे सेक्ट का है कि नहीं ये लोग खलीफा नहीं हैं, जो ओरिजिनली तीन थे और उनके बाद जो लोग आए वो खलीफा हैं। अब देखिए ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इन दोनों पार्टीज़ में या वो कुछ लोगों में, यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनको स्कूल्स में बांटता है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स बन जाते हैं। तो स्कूल्स के लिए भी हमें सबसे पहले ये दो सेक्ट्स पढ़ने हैं। सेक्ट्स क्या हैं, दो सबसे ज़रूरी सेक्ट्स हैं आपके सुन्नी एंड शिया। देखिए ये दो सेक्ट्स हैं, सुन्नी सेक्ट है और शिया सेक्ट है। अब यहाँ पे सुन्नीज एंड शियाज में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस सिर्फ इनका ये है अली साहब को लेकर के या खिलाफत को खलीफा को लेकर के है। आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं सी ए एल आई पी ए पी एच ए टी कैलिफेट, या फिर हिंदी में आप इसको खलीफा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रोफेट साहब के देहान के बाद या उनके गुजर जाने के बाद अब ये हुआ ना कि सक्सेशन कौन कौन इस खलीफा की गद्दी पे बैठेगा, अब इसको लेकर के ही सारा झगड़ा था। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं मुस्लिम लॉ तो हम इस सब के बारे में पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि किसने सक्सीड किया, प्रोफेट साहब के कौन कौन से रिलेशंस थे, उनके अंकल, उनके कज़न ब्रदर और उनके सक्सेसर्स, फिर इनके दामाद अली साहब, इन सारे रिलेशंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा भी नहीं जाता है प्री में, तो बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग खपाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे सिंपल पढ़िए कि दो सेक्ट्स हैं। अब इन सेक्ट्स में देखिए आप क्या है कि फर्दर स्कूल्स हैं। पहले अगर हम सुन्नी सेट्स के बारे में बात करें या सुन्नी सेट के स्कूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हनाफी स्कूल है। ये फैक्ट बस याद रखिएगा कि चार स्कूल हैं यहाँ पे हनाफी स्कूल। हनाफी स्कूल को कूफा स्कूल भी कहते हैं क्योंकि ये प्लेस से रिलेट करता है, इराक में एक सिटी है कूफा, उस जगह से रिलेट करता है, इसलिए इसका कूफा स्कूल भी नाम है। ये फैक्ट है, फैक्ट्स आपको याद करने हैं। फिर देखिए अबू हनीफा हनीफा ये हैं, इनके इन्होंने ही इनको आप प्रोपाउंडर समझ सकते हैं, इनका ही मेन हाथ है रोल है इस स्कूल के लिए, इसलिए इनको आप प्रोपाउंडर कह सकते हैं। और प्रोपाउंडर का मतलब क्या हुआ, इन्हीं के नाम पे ये स्कूल बनाया गया है तो इसलिए इसका हनाफी स्कूल है। देखिए मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा पर्सन है जिसने ये स्कूल का आप कह सकते हो कि इनिशिएशन किया या फिर इसको प्रोपाउंडर माना जाना चाहिए इस स्कूल का, तो उसमें सिंपल सी कहानी ये है कि नाम आप देख लेना और उनके नाम पे ही है सारे जितने भी सुन्नी स्कूल्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं आपको नाम मिल जाएगा। तो यहाँ डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि आपके पास MCQs आने वाले हैं, चार ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में आपको नाम मिल जाएगा और नाम के साथ आपको क्या करना है, बस आइडेंटिफाई कर लेना कि ये स्कूल का वही पर्सन है। मालिकी स्कूल, ये मलिक बिन अनस ये प्रोपाउंडर हैं इसके। सैफई स्कूल, मोहम्मद बिन इरिस सैफई, देखिए नाम से ही पहचान जाइए आप, सारे जितने भी प्रोपाउंडर्स हैं उनके नाम के ऊपर ही ये सारे स्कूल्स रखे गए हैं। वैसे ही हनाबली स्कूल, अहमद बिन हनाबल, तो भाई नाम कहीं ना कहीं रिलेट करता है इसलिए इस स्कूल का नाम ऐसा ही है। अब इनमें क्या है, इनमें कुछ कुछ पॉइंट्स पे, जैसे सुन्नी सेक्ट के अंदर भी कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंसेस हैं, कुछ बातें ये अलग मानते हैं, कुछ बातें ये अलग मानते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट स्कूल्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि मैरिज में दो विटनेस होने चाहिए, कोई कहता है कि मैरिज में दो विटनेस होने चाहिए लेकिन एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं मैरिज में तीन विटनेस होने चाहिए, तो ऐसा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी बातें हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स पे हैं, तो यही डिफरेंट स्कूल्स के बारे में बात करते हैं आपसे। फिर देखिए आपका ये शिया स्कूल, शिया स्कूल के अंदर, शिया सेक्ट के अंदर जो मेजरली तीन स्कूल्स हैं वो आपके इतना असारिया, इस्माइलीज और जैदीज। अब देखिए क्वेश्चन मैंने देखा कि किस तरीके का स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था
पिछली बार और पिछली बार भी मुस्लिम लॉ में, कि इनमें से ये बात कौन सा स्कूल नहीं मानता है। जैसे कि कौन सा स्कूल कहता है कि एज नहीं, इसमें हम ले लेते हैं विटनेस की बात ले लेते हैं, चलिए विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपसे, आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है शिया सेक्ट में जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, विटनेसेस की जरूरत नहीं है मैरिज में। लेकिन ऑप्शन में शिया था ही नहीं, ऑप्शन में आपके पास क्या था, ऑप्शन में हनाफी स्कूल है, मालिकी स्कूल है, इतना सारिया है और फिर हानाबली स्कूल है। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल सी बात ये करिए कि आपको पता है कि शिया सेक्ट में ये चीज कही गई है या ये चीज जरूरी है शिया सेक्ट के अंदर, अब उसका ही तो स्कूल है ना ये इतना सारिया स्कूल, तो आप बस इसी बेसिस पे आंसर अपना मार्क कर सकते हैं। आप बस ये बाइफरकेशन याद रखिएगा कि ये चार स्कूल्स हैं सुन्नी के, ये तीन स्कूल्स हैं शिया के, एक आपको ब्रॉडर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बहुत डिटेल में अंदर से नहीं आएगा, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली इनके अंदर भी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इनके अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो स्कूल्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आता। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपको क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्वेश्चन सिर्फ मेजरली इन दो सेक्ट से ही आता है, और आपको याद क्या करना है, डिफरेंसेस वो सिया एंड सुन्नी के डिफरेंसेस आप याद कर लेंगे, स्कूल्स आप उनके आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। स्कूल में कोई परेशानी, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल रैपिड चलेंगे, बिल्कुल रैपिड चलेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए, इसीलिए तो सिर्फ फैक्ट फैक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। चलो कौन सा कलर कर लें, ब्लैक तो दिखेगा नहीं, ग्रीन कर लेते हैं, ये तो रेडी हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा मुझे इसको सिस्टम को समझने में दिक्कत है, बाकी अभी काम चला लीजिए रेडिंग से ही। मैरिज के बारे में बात करें, अब सीधे मैरिज पे आ जाइए, अगला टॉपिक या अगला डिस्कशन आपका किससे रिलेट करता है, मैरिज से रिलेट करता है। और देखिए मैरिज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न आपसे मैरिज से पूछे जाएंगे। अब इन प्रश्नों में क्या क्या है आपका, सबसे पहले देखिए मुस्लिम बाई रिलीजन होना चाहिए किसी व्यक्ति का, शादी करने के लिए मुस्लिम लॉ के अंदर दोनों पार्टीज का मुस्लिम होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो क्या होगा, तो क्या वो मैरिज, आइए बस थोड़ी सी बातें यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात रिलीजन की बात हमने की, अब देखिए एक मेल है आपका और एक ये फीमेल है सुंदर सी, अब इनके बीच में मैरिज अगर होना है मुस्लिम लॉ के अंडर में, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों मुस्लिम होने चाहिए, ठीक। अब इसमें से पहला केस हम मेल का पकड़ के चलते हैं कि मेल मुस्लिम है लेकिन फीमेल नॉन मुस्लिम है, यहां पे क्या होगा। अब देखिए यहां पे दो बातें हैं, यहां पे क्या है, दो बातें, यहां पे फर्दर बाइफरकेशन किया गया है, फर्दर बाइफरकेशन क्या किया गया है, यहां पे कहा गया कि एक देखिए किताबिया है और एक है आइडल वर्शिपर या फिर फायर वर्शिपर, इनसे मैरिज अगर होती है, आइडल वर्शिपर से या फायर वर्शिपर से मैरिज होती है, तो यह मैरिज आपकी इररेगुलर मैरिज होगी। और अगर किताबिया फीमेल है इससे मैरिज करते हो तो ये वैलिड मैरिज होगी, ठीक। मुस्लिम लॉ के बारे में एक बात छोटी सी मैं बता देता हूं, यहां पे वॉइडेबल मैरिज वाला सिस्टम नहीं है, यहां पे वैलिड मैरिज है, यहां पे इररेगुलर मैरिज है और यहां पे वॉइड मैरिज है, ठीक है। तो सही मैरिज है यहां पे फासिद मैरिज है और बातिल मैरिज है, ठीक।
यहां पे वॉइडेबल मैरिज वाला सिस्टम नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या बताया गया, यहां पे ये बताया गया कि मैं मेल अगर मुस्लिम है और फीमेल अगर नॉन मुस्लिम है तो यहां पे क्या होगा, मैरिज वैलिड होगी कब, जब वो किताबिया होगी। अगर वो आइडियल या फायर वर्शिपर है तो वो इरेगुलर मैरिज होगी। अब इसको उल्टा कर लीजिए, फीमेल है और फीमेल क्या है, ये मुस्लिम है लेकिन मेल नॉन मुस्लिम है, ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये जो मैरिज होगी ये मैरिज वॉइड मैरिज होगी, फीमेल नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती है। वहां फीमेल के लिए कोई ऐसा बाइफरकेशन नहीं किया हुआ है, फीमेल नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन मेल के लिए क्या बताया गया, मेल के लिए ये बताया गया कि मेल ऐसा कर सकता है, मेल नॉन मुस्लिम से अगर शादी कर रहा है तो वहां पे किताबिया और आइडल वर्शिपल वाला डिफ्रेंसिएशन कर दिया गया है, ठीक। अब देखिए इसके इसी को आगे बढ़ाते हैं, हाँ ये बातें हो गई। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट डिस्कशन क्या था, इसमें नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा एज का, आइए एज पे बातें करते हैं। पार्टीज का मुस्लिम होना जरूरी है, ये आपको समझ में आ गया। एज देख लीजिए, एज में क्या बताया गया, एज आपको बताया गया कि प्यूबर्टी होना चाहिए, प्यूबर्टी की एज होनी चाहिए, प्यूबर्टी की एज होनी चाहिए। कितनी एज होती है प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी की एज तो 9 साल मानी गई है किसके लिए, फीमेल के लिए, 12 साल मानी गई है किसके लिए, मेल के लिए, ठीक है। ये कुछ इंस्टेंसेस हैं, लेकिन लेकिन प्रिजम्पशन क्या है प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी से रिलेटेड प्रिजम्पशन जो है वो है 15 साल का। तो 15 साल में प्रिजम्पशन हो जाता है कि ये पार्टीज क्या हो गई हैं, इनकी एज ऑफ प्यूबर्टी हो गई है। अब एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि ये कंसेंट दे सकते हैं अपने विवाह के लिए, और प्रिजम्पशन 15 ईयर्स अगर है तो ये माना जाता है कि इनका क्या हो गया है, एज ऑफ प्यूबर्टी हो गई है, और उसके लिए क्या है, प्यूबर्टी का एज हो जाने के बाद वो कंसेंट दे सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, याद आपको सिर्फ ये 15 ईयर्स याद रखना है। इसका प्रश्न भी आया था कि प्रिजम्पशन क्या है प्यूबर्टी की एज का, प्रिजम्पशन प्यूबर्टी की एज का 15 साल है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे कंसेंट दे सकते हैं, यहाँ पे गार्जियनशिप की ज़रूरत नहीं है। जो हम कहते हैं ना गार्जियनशिप इन मैरिज, तो अगर किसी की शादी करनी हो जिसकी एज नहीं है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में गार्जियनशिप चलेगा, और यहां पे जबर, आप बोलते हैं ना ये एक टर्म है मुस्लिम लॉ का, याद कर लीजिएगा जबर, ये क्या है, गार्जियनशिप इन मैरिज के बारे में बात करता है। तो अगर एज नहीं है तो कौन कंसेंट दे सकता है पार्टीज के बिहाफ पे, फादर दे सकता है, पैटर्नल ग्रैंडफादर दे सकता है, कोई भी मेल रिलेशन दे सकता है फादर के तरफ से, या फिर मदर दे सकती है इनके बाद, ये देखिए सीक्वेंस है, प्रेफरेंशियल सीक्वेंस है, उसके बाद मदर के रिलेशंस दे सकते हैं। कंसेंट के बारे में या एज के बारे में जो हम बात कर रहे थे, एज में क्या पता चला हमें, 15 साल का प्रिजम्पशन चलता है। इसी पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यही आंसर में लिखना है, 15 साल मान के चलो, प्रिजम्पशन क्या है, 15 साल में मान लिया जाता है कि प्यूबर्टी आ गई है, पहले भी आ सकती है अगर एक्सप्रेसली ये प्रूफ कर दिया जाए कि नहीं प्यूबर्टी 15 से पहले थी, यानी कि 12 साल में ही किसी की शादी हुई और ये प्यूबर्टी का हम प्रूफ कर दें कि हाँ ये प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी में ही इस पर्सन की शादी हुई है, तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा। वैलिड तो वैसे भी है, लेकिन वहां पे बिना गार्जियनशिप के भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वैलिड कंसेंट दे करके विवाह कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक। ये बात हो गई, हाँ जी, इसी का मतलब है एज ऑफ प्यूबर्टी। शालिनी ने जो टर्म लिखा है ख्यार उल बुलुग, इसी का मतलब है एज ऑफ प्यूबर्टी। चलिए ये एज की बात हो गई, एज के बाद फिर क्विकली चलते हैं आगे की बात करते हैं। आगे हमने देखा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में बहुत कुछ नहीं है। देखिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या है, सिंपल सी बात यह है कि एजाब और कुबूल ये होना चाहिए। आपने मूवीज में बहुत देखा होगा ना कुबूल कुबूल कुबूल, तो वही वाला है सिस्टम कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये बात आई कहां से है,
इसी बात के बेसिस पे देखिए, तो एक एसेंशियल है मैरिज का कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए मैरिज में। इसी बेसिस पे लोग कहते हैं कि मैरिज मुस्लिम्स में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑफर है और एक्सेप्टेंस है और कंसिडरेशन भी है, किस फॉर्म में, डावर के फॉर्म में। तो आप इस ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा याद करने के लिए नहीं है, यहाँ पे याद करने के लिए बस दो चीज़ें हैं कि ये टर्म्स इजाब और कबूल, और इसके बाद देखिए इसी से आप रिलेट कर लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ये बोला गया था। केस का नाम भी आप यहीं से याद कर लीजिए, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, जस्टिस महमूद ने इस केस में बोला था, क्या बोला था कि मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम में, ठीक। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में ये बात है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, क्या टेलीफोन से हो सकता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? भाई देखिए फोन से नहीं हो सकता, टेलीफोन से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है, यहां पे दोनों पार्टीज का आमने सामने प्रेजेंट होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेंगे अभी, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को। इससे पहले विटनेसेस के बारे में बात कर लेते हैं और डावर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए विटनेसेस के लिए बताया गया, और एक डिफरेंस भी है विटनेसेस के लिए, यहां पे ये बताया गया है, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए मुस्लिम लॉ में। फैक्ट है, समझिए विटनेस की रिक्वायरमेंट क्या है मैरिज के लिए, विटनेस की रिक्वायरमेंट मैरिज के लिए सुन्नीज में और शिया में, सुन्नीज में क्या है टू मेल, शिया में नो रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और वन मेल टू फीमेल ये रिक्वायरमेंट है, किसकी, विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है मैरिज के लिए, तभी वैलिड मैरिज होगी, अदरवाइज इररेगुलर मैरिज हो जाएगी ये। शियाज में क्या है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, शिया बिल्कुल भी नहीं कहते, शिया में बिल्कुल भी विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हम प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में क्या है, देखिए सबसे पहली बात यह है, इनका रिश्ता आपस में नहीं होना चाहिए। अगर इनका रिश्ता आपस में है, कॉन्सेंग्विनिटी है इनके बीच में, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये ब्लड रिलेशन से, अगर ब्लड रिलेशन से ये जुड़े हुए हैं तो ब्लड रिलेशन से जुड़े होने की वजह से इनके बीच में क्या हो सकती है, शादी नहीं हो सकती, ये प्रोहिबिटेड है। ब्लड रिलेशंस क्या है, एब्सोल्यूट ये प्रोहिबिशन है, और यहाँ पे शादी क्या होगी, मैरिजेस वॉइड होंगी, कहीं पे भी अलाउड नहीं है ये, बिटवीन द ब्लड रिलेशंस मैरिज नहीं की जा सकती है। अब इसको कंसेंग्विनिटी का एग्जाम्पल या कंसेंग्विनिटी का मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ, यहीं से याद कर लीजिएगा। आपको प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ पे ये मैरिज प्रोहिबिटेड है या नहीं है बाय द रीजन ऑफ कंसेंग्विनिटी। तो यहाँ पे देखिए एक कोई भी मेल है, और इसी मेल के कॉन्टेक्स्ट में आप इन सारे रिलेशंस को समझ लीजिए। मेल किससे नहीं शादी कर सकता, मदर से शादी नहीं कर सकता, किससे शादी नहीं कर सकता, सिस्टर से शादी नहीं कर सकता। सिस्टर कैसी सिस्टर, चाहे फुल ब्लड हो या हाफ ब्लड हो या फिर कॉन्सेंग्विन, चाहे फिर फोस्टर सिस्टर हो, इनसे ये शादी नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए अगर किसी की किसी पर्सन की नीस, ये अपनी नीस से शादी नहीं कर सकता है, कोई पर्सन अपनी आंट से शादी नहीं कर सकता है, आंट हाउ हाई सो एवर, कोई अपनी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता, हाउ हाई सो एवर, ठीक है, ये रिलेशंस हो गए। कोई डॉटर से शादी नहीं कर सकता,
भाई ये ब्लड रिलेशंस हैं, ये सीधे सीधे प्रोहिबिटेड है। इन ब्लड रिलेशन से शादी नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फोस्टर रिलेशंस को समझ लीजिए। फोस्टर रिलेशंस में आपके लिए ये बताया गया है कि भाई देखिए फोस्टर रिलेशंस में शादियां नहीं हो सकती, फोस्टर रिलेशंस में शादी प्रोहिबिटेड है। फोस्टर रिलेशंस क्या होते हैं? फोस्टर रिलेशंस होते हैं कि एक ये पर्सन है और ये इसकी फोस्टर मदर है। आप इसको मिल्क का रिलेशन भी समझ सकते हो। तो इस मां ने इस बच्चे को दूध पिलाया है तो इससे विवाह तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी रियल मदर जैसी ही हो गई। इसकी जो डॉटर है उससे भी मैरिज नहीं हो सकती है, तो फोस्टर सिस्टर से भी मैरिज नहीं किया जा सकता, फोस्टर मदर से भी मैरिज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके अलावा और ये बताया गया है कि देखिए अगर आप फोस्टर सिस्टर के किसी रिलेशन से शादी करते हैं या फोस्टर ब्रदर के किसी रिलेशन से शादी करते हैं तो वहां पे परमिशंस दे दी गई हैं सुन्नी लॉ के अंदर। अब देखिए डिटेल में थोड़ा सा मैं बस जाऊंगा, थोड़ा सा बियर करिएगा, बस दो मिनट इसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि आप इसको अगर हाफ पढ़ेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन आने पे आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहां पे सुन्नीस ने क्या बताया, सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, सुन्नी लॉ ये बताता है हमें, यहां देखिए मैं डिटेल में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। सुन्नी लॉ में ये बताता है कि देखिए ये एक पर्सन है और ये अपने फोस्टर ब्रदर के सिस्टर से शादी कर सकता है। ये फोस्टर ब्रदर है, ये दोनों लोग, इसकी कोई सिस्टर है, इससे ये शादी कर सकता है, ठीक। अब देखिए ये एक पर्सन है, देखिए ये एक पर्सन है, इसकी कोई ऑलरेडी वाइफ है और ये अपनी वाइफ के फोस्टर सन के सिस्टर से शादी कर सकता है, ठीक है। अब यहां पे क्रक्स क्या है, मतलब क्या है, सारे चार रिलेशंस मैं नहीं लिख रहा हूं, मतलब ये है छोटा सा कि देखिए फोस्टर से अगर आप जुड़े हो, सुन्नी लॉ क्या कहता है, अगर आप फोस्टर से जुड़े हो तो जब तक डायरेक्टली नहीं जुड़े हो तब तक आपको शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली जुड़ गए तो शादी नहीं कर सकते, हाँ उसका कोई, जिससे आप जुड़े हो उसका कोई और रिलेशन है तो उससे आप शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां परेशानी की बात नहीं है। लेकिन शिया लॉ ये मना करता है, शिया लॉ कहता है कि फोस्टर रिलेशन भी अगर किसी के साथ आपका है तो उसके रिलेशंस भी आपके लिए रियल ब्लड रिलेशंस जैसे हो गए और वहां पे भी आप शादी नहीं कर सकते, वो आपकी लाइन में आ गए, वो आपके ब्लड रिलेशंस हो गए। ये सिंपल सी बात, यहां पे बहुत डिटेल में और डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। अब इसके बाद देखिए कुछ कुछ और प्रोहिबिशंस हैं, प्रोहिबिशंस और क्या क्या हैं भाई, दो फीमेल से आप एक बार में ऐसे शादी नहीं कर सकते, वो जो दो फीमेल आपस में ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई हैं, ये दो फीमेल्स ऐसी हैं जिनके बीच में मैरिज नहीं हो सकती। अगर ये ऑपोजिट सेक्स की होती तो इनके बीच में मैरिज नहीं हो सकता, इफ दे वुड हैव बीन ऑपोजिट सेक्स तो मैरिज बार होती। ठीक, अब देखो आप कहोगे कि दो वुमेन है कैसे जुड़ी होंगी आपस में एक दूसरे से, देखिए ये एक पर्सन है, ये एक फीमेल है और ये दूसरी फीमेल F2 लिख लो, ये दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, चाहे रियल सिस्टर हो, हाफ सिस्टर हो, चाहे आप कह लो कि यूटराइन सिस्टर हो या फिर फोस्टर सिस्टर हो, ये आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं कि जो आपस में विवाह नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती अगर ऑपोजिट सेक्स की होती तो ऐसे में कोई व्यक्ति इन दोनों के साथ एक साथ विवाह नहीं कर सकता। ये मेल कभी भी इन दोनों के साथ एक साथ शादी नहीं कर सकता, या तो इसको डाइवोर्स दे दे तब शादी कर सकता है,
या तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्या हो सकता है दूसरा रास्ता? हाँ जी बताइए, किसी को मालूम है क्या हो सकता है दूसरा रास्ता? बताइए जल्दी, या तो फिर इसकी डेथ हो जाए। और डेथ कैसे हो सकती है? डेथ कैसे भी हो सकती है, नेचुरली हो सकती है, या फिर इस पर्सन का भी कोई हाथ हो सकता है, इस मेल का भी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जब इसकी पहली मैरिज एंड हो जाए तभी ये इससे शादी कर सकता है, एक ये प्रोहिबिशन है। तो यानी दो सगी बहनों से एक बार में शादी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, फोर मैरिजेस अलाउड हैं, फिफ्थ मैरिज आप नहीं कर सकते। फिफ्थ मैरिज अगर करते हो तो फिफ्थ मैरिज क्या है, देखिए ये डिफरेंस याद रखिएगा, सुन्नी में ये होगी इरेगुलर मैरिज, और शियास के लिए ये क्या होगी, शियास के लिए ये होगी वॉइड। सुन्नीस के लिए फिफ्थ मैरिज क्या होगी, इरेगुलर, और शियास के लिए ये वॉइड मैरिज होगी। ठीक, सिंपल सी बात। तो ये है प्रोहिबिटेड रिलेशंस के बारे में कुछ। तो जैसे ये जो अभी डिस्कशन हम कर रहे थे, ये आप एक कहो कि लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं या एक तरीके के लीगल प्रोहिबिशंस हैं जिनको विवाह, जिन रिलेशंस में विवाह नहीं किया जा सकता है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशंस प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशंस पढ़ लिए, हमने विटनेसेस के बारे में पढ़ लिया, और अब डावर के बारे में थोड़ा सा देख लेते। देखिए डावर में क्या है, डावर होना चाहिए शादी के लिए। डावर में बस दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, डावर का क्लासिफिकेशन। डावर क्या है, डावर ये एक तरीके का कंसिडरेशन आप समझ लो। जब भी मैरिज होगी, एक मुस्लिम मैरिज के अंदर में क्या होना चाहिए, एक मुस्लिम मैरिज के अंदर में डावर का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये डावर के आप दो प्रकार याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक है आपका प्रॉम्प्ट डावर, एक है आपका डेफर्ड डावर, ठीक। और दूसरा प्रकार क्या है, ये प्रकार क्या है, ये प्रकार है पेमेंट के हिसाब से। ये है कि जब भी मांगा जाएगा तब डावर दे दिया जाएगा। ये है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर एक फ्यूचर कोई भी इवेंट होगा जहां पे डाइवोर्स के टाइम पे या फिर किसी और फ्यूचर इवेंट के टाइम पे ये पेमेंट ऑफ डावर होगा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए एक स्पेसिफाइड डावर है और एक है प्रॉपर डावर। या वो स्पेसिफाइड और प्रॉपर, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये है अमाउंट से रिलेटेड वाला क्लासिफिकेशन, कि कितना अमाउंट पे करना है। अगर पहले से ही अमाउंट स्पेसिफाइड है कि ₹1,00,000 डावर फिक्स किया जाता है तो वो क्या होगा, स्पेसिफाइड डावर है। अगर स्पेसिफाइड पहले से नहीं है तो बाद में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आप दे रहे हो, एट अ लेटर स्टेज जहां पे कोई भी अमाउंट पहले से फिक्स नहीं था, कोई डिसाइडेड अमाउंट नहीं था, तो उसको आप प्रॉपर डावर बोलोगे, वहां पे हम प्रॉपर डावर बोलेंगे और प्रॉपर डावर दिया जाएगा वहां पे। ठीक, सिंपल सी बात। तो ये डावर से रिलेटेड यहां पे बस इतनी चीजें, ये क्लासिफिकेशन याद कर लेना। डावर क्या होता है, उसका राइट होता है फीमेल का। अगर डावर पेमेंट ना डावर का हो तो वो प्रॉपर्टी पे लियन एक्सरसाइज कर सकती है, जो भी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है वो उसको अपने कब्जे में रख सकती है तब तक जब तक कि उसका डावर पे ना किया जाए। डावर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पे डेट जैसा होता है, जब तक आप डेट नहीं चुकाओगे यानी डावर पे नहीं करोगे तब तक किसी और को कोई चीज नहीं दी जाएगी, वो संपत्ति आगे नहीं बढ़ेगी, और बढ़ती है तो उसमें से पहले डावर का हिस्सा काट करके या डावर पे करके फिर आगे ही बढ़ाई जाएगी ये प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखिए इतनी बातें हमने कर ली। इन बातों के बाद हमारा अगला जो डिस्कशन है वो है डिसोल्यूशन के बारे में। यहां तक किसी को कोई परेशानी, मैरिज में किसी को कोई परेशानी? मैरिज में भाई देखिए इतने फैक्ट्स हमको याद रखने हैं, इसके बाद हमारा मैरिज का जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है, वो कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा हमें कुछ मैरिज में नहीं पढ़ने की जरूरत है। कुछ फैक्ट्स हैं छोटे छोटे,
हाँ जी, कोई दिक्कत यहां पे मैरिज में, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत ही खामोश रहता है चैट बॉक्स, बहुत ही खामोशी से आप लोग बैठे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के बारे में। तो डिसोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, ये होता क्या है भाई? विवाह होगा तो आज अगर दो लोगों के बीच में अगर एक संबंध है, एक रिलेशन है, एक मैरिज रिलेशन बना है, तो हो सकता है कि कल को उनके बीच में ना बने। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि कैसे ब्रेकअप और पैचअप ये सारी वाली चीज़ें होती हैं, जो लोग रिलेशनशिप में वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जैसे रिलेशनशिप्स नॉर्मल जो हैं मैरिज के अलावा वाले, उनका उनमें ब्रेकअप होता है, वैसे ही यहाँ पे मैरिज का डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक, अब मुस्लिम लॉ में क्या बताया गया है? मुस्लिम लॉ में देखिए, मेल के पास बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। मेल को अगर मैरिज को डिसॉल्व करना है यानी डाइवोर्स देना है, तो मेल को कुछ भी ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज उसका मन करता है, आज वो चाहे अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे। डाइवोर्स के कुछ तरीके अलग अलग तरीके से बताए हुए हैं, इनमें से ये कुछ भी तरीका कोई भी अपना करके डाइवोर्स किया जा सकता है। हाँ, इसके साथ साथ ये है कि कभी कभी फीमेल को भी अधिकार दे दिए गए हैं। अगर आप ओल्ड मुस्लिम लॉ के बारे में बात करें तो फीमेल को भी अधिकार थे कहीं कहीं पे डाइवोर्स लेने के। अब इसके अलावा म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। म्यूचुअल कंसेंट से जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अग्री कर रहे हैं, वहां पे डाइवोर्स ले लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, डाइवोर्स एक डिक्री से भी किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी क्या है? कोई लॉ का होना जरूरी है। तो वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है 39 वाला, उस एक्ट के अंदर में डिसोल्यूशन किया जा सकता है मैरिज का। इसके अलावा क्या है, दो और तरीके हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बिल्कुल सही प्रियंका, सुनते रहिए ध्यान से। तो पहला, डाइवोर्स की अगर बात करूं मैं, तो यहां पे क्या है, हस्बैंड के द्वारा कौन कौन से डाइवोर्स दिए जा सकते हैं? तो इसमें तलाकुल बिद्दत और तलाकुल सुन्नत, ये दो चीजें आती हैं। तलाकुल बिद्दत, जिसको हम ट्रिपल तलाक कहते थे, ये क्या हो चुका है अब? इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है। कौन से केस में बोल दिया गया है? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, इसके बारे में रेफरेंस भी दिया था। कौन से केस में बोला है? हाँ जी, कौन से केस में बोला गया है? शायरा बानो, शाहबानो नहीं, शायरा बानो। और जिस ईयर में ये केस आया था उसके बाद, 2017 के बाद, यानी कि पूछा गया था, तो डिसेंटिंग ओपिनियन में कौन से जज थे, इसका प्रश्न आया था। हालांकि अब ये प्रश्न रिपीट नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो लेटेस्ट था उस समय, आया था और बहुत बड़ी बात थी, लैंडमार्क जजमेंट था, इसलिए इसकी डिटेल्स पूछे गए थे कि कौन से जज माइनॉरिटी ओपिनियन में थे, कौन से जज मेजॉरिटी ओपिनियन में थे, कौन से डिसेंटिंग ओपिनियन में थे, ये सारी बातें पूछी गई थी आपसे। अब देखिए इसके बाद क्या है, तलाकुल सुन्नत के बारे में बात करते हैं। देखिए तलाकुल सुन्नत में क्या कहा गया है, इसमें दो तरीके के डाइवोर्स हैं, अहसन और हसन। अहसन और हसन, ये क्या डाइवोर्स होते हैं, इनके बारे में बस आप जान लीजिए ब्रीफली, शॉर्टली। क्या है अहसन में, क्या होना है इसमें, आपको एक बार बोलना है डाइवोर्स, आपको तलाक के बारे में बोल देना है एक बार कि हाँ मैं डाइवोर्स आपसे चाहता हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल वेट करना है, और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल आप वेट कर लेते हैं, इसके बाद डाइवोर्स क्या हो जाएगा, इरिवोकेबल हो जाएगा। और इरिवोकेबल कब होगा, जब ये 3रा मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाएगा, यानी जब वो प्योरिटी की स्टेज में आ जाएगी, ये जो टहर का पीरियड होता है, टहर कहते हैं इसको, या तुहर, जो भी आप प्रोनंसिएशन करना चाहें, ये जो पीरियड है या ये जो टाइम है, इस समय ही ये मैरिज क्या होगा, ये डिवोर्स होगा, इरिवोकेबल। इससे पहले क्या था, रिवोकेबल था, यानी इसको रिवोक किया जा सकता था। रिवोक कैसे कर सकते थे, रिवोक हम कर सकते थे इसको बाई कंज्यूमेशन। अगर
हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाए तो फिर ये डाइवोर्स क्या होगा, ये डाइवोर्स रिवोक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर ये डाइवोर्स इरिवोकेबल होगा। अब बात करते हैं हसन की। हाँ, हसन के साथ एक बात और, हसन डाइवोर्स क्या है, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइवोर्स में बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइवोर्स कौन सा है, तो वो है अहसन। अहसन ए के साथ, ए क्या होता है, नंबर वन होता है, ए अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर आता है, ये बेस्ट फॉर्म है डाइवोर्स का, ए हसन वाला, ठीक है। हसन क्या है, ये गुड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, बेस्ट तो नहीं है, गुड है। अब हसन में क्या हो रहा होगा, देखिए हसन में ये है कि आपको तीन बार बोलना है और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में बोलना है। तो जैसे मान लीजिए कि एक डेट से लेकर के ये अगली डेट है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो हर 30 डेज के गैप पे आपको फर्स्ट टाइम यहां पे बोला है, फिर 30 डेज के पीरियड में आप सेकेंड टाइम बोलेंगे, फिर 30 डेज के पीरियड में आप थर्ड टाइम बोलेंगे। जब आप थर्ड टाइम बोल देंगे तब ये डाइवोर्स क्या होगा, इरिवोकेबल हो जाएगा। तीन बार आपको बोलना है, तीन बार बोलने का मतलब क्या है कि अब ये डिवोर्स इरिवोकेबल हो गया, तीसरी बार बोलने का मतलब ये कि अब ये इरिवोकेबल हो गया और अब ये डिवोर्स कंप्लीटली, मतलब अब इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। इससे पहले रिवोक करने का तरीका क्या है, वही सेम तरीका जो पहले हमने अहसन में पढ़ा था, वही सेम तरीका है इसको रिवोक करने का, बस इतनी सी बात है। तो तलाकुल बिद्दत और तलाकुल सुन्नत, ये दो टर्म्स हो गए कंप्लीट अपने। इसके बाद देखिए इला और जिहार। इला क्या है, इला को समझते हैं। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने, इसको ऐसे ले लेते हैं बाहर, अगर किसी व्यक्ति ने कसम खा ली गॉड को साक्षी मान करके, भगवान को साक्षी मान करके, जैसे सात फेरे लेते हैं ना वैसे ही कसम खा ली भगवान के नाम पे कि देखो अब आज से हमारे बीच में देयर विल बी नो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी बार्ड। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होने के बाद क्या है, डाइवोर्स हो सकता है इस ग्राउंड पे, ये मैरिज डिसॉल्व कर दी जाएगी। किस ग्राउंड पे, कि हस्बैंड ने क्या बोल दिया कि देखो अब हमारे बीच में किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो सकता, मैं कसम खाता हूं कि मैं आज के बाद तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ठीक। अगर ऐसा हस्बैंड बोल दे तो इसके बाद वाइफ क्या कर सकती है, इसके बाद वाइफ जो है डाइवोर्स ले सकती, या इस ग्राउंड पे डाइवोर्स हो सकता है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अब सेक्सुअल रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने भगवान को साक्षी मान करके ऐसी कसम खा ली, यानी अल्लाह के सामने ऐसी कसम खा ली। इसके बाद हम पढ़ रहे थे जिहार। देखिए ये सबसे बढ़िया है और ये वो लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जो कभी ना कभी ब्रोजोन हुए हैं। तो जैसे ब्रोजोन होते हैं ना लोग, वैसे ही यहां पे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सिस्टर जोन कर दिया या मदर जोन कर दिया। तो जिहार में क्या हो रहा है कि ये हस्बैंड है और इसने अपनी वाइफ को बोला कि देखो तुम मेरे लिए मेरी मदर जैसी हो या सिस्टर जैसी हो, यानी अपनी ही पत्नी का इसने काट दिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में वही फिर इला जैसा ही होगा और डाइवोर्स हो सकता है, ठीक। हाँ बिल्कुल अपूर्व सैनी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यहां पे भी ये भी एक भी तरीका है डाइवोर्स का, ये भी एक टाइप है डाइवोर्स का, ऐसे भी डाइवोर्स हो सकता है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो है, बाय म्यूचुअल कंसेंट के। म्यूचुअल कंसेंट किस तरीके से होता है, अब म्यूचुअल कंसेंट को पढ़ने से पहले वाइफ के द्वारा पढ़ लेते हैं। वाइफ के द्वारा कैसे होता है, यहां पे तलाक तफवीज की बात हम कर रहे हैं और तलाक तफवीज में जब मैरिज हो रही थी, मैरिज के टाइम पे आइदर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज पार्टीज ने अग्री किया था, क्या अग्री किया था कि ये कंडीशंस हैं मैरिज के कुछ, और अगर इन कंडीशंस को ब्रीच करोगे, कंडीशंस को क्या करोगे, ब्रीच करोगे तो मैं डाइवोर्स ले लूंगी। वाइफ को ये राइट दे दिया गया था, ये अग्रीमेंट कर लिया गया था। जैसे ही उस कंडीशन का ब्रीच होगा, उस कंडीशन का ब्रीच होने के बाद वाइफ का राइट है, वो डाइवोर्स ले सकती है।
लेकिन इसके लिए जरूरी क्या था, जरूरी यह है कि ऐसा अग्रीमेंट पहले होना चाहिए, कुछ कंडीशंस लगाई जानी चाहिए और उस कंडीशन को अग्री हस्बैंड को करना चाहिए और उस समय यह भी अग्री करना चाहिए कि अगर इस कंडीशन का ब्रीच होगा तो वाइफ के पास राइट आ जाएगा डाइवोर्स का, वाइफ के पास क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा डाइवोर्स का। ये तलाक तफवीज के बारे में बात है। अब यहां पे देखिए सिंपल सी सिचुएशन ये है कि कंडीशंस कैसी लगाई जा सकती हैं कि वो सेकेंड मैरिज नहीं करेगा, कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं रखेगा, ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पे बताया गया है कि ये इन कंडीशंस के ब्रीच के बेसिस पे या डावर पे नहीं करता, मेंटेनेंस पे नहीं करता फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, या वाइफ को एक एक जिस कंडीशन में उसको रहना था उस तरीके से रखता नहीं है, ऐसी कंडीशंस के ब्रीच पे वाइफ को अगर अग्री किया गया, पहले ही स्टिपुलेशन है कि वो डाइवोर्स ले सकती है, तो डाइवोर्स ले लेना यहां पे पॉसिबल है, डाइवोर्स ले लिया जाएगा, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। ये तलाक तफवीज होता है। यहां पे क्या है, वाइफ की कुछ कंडीशंस थी, कुछ शर्तें थी कि देखो मैं शादी तुमसे करूंगी लेकिन इन ही सूरतों में, इन हालात में ही शादी करूंगी, और अगर इन कंडीशन का ब्रीच करोगे तो उसके बाद तुम तैयार रहना डाइवोर्स के लिए, ऐसा अग्रीमेंट पहले हुआ था, तो ये तलाक तफवीज के हिसाब से डाइवोर्स लिया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए खुला और मुबारक, ये दो हैं डाइवोर्स म्यूचुअल अग्रीमेंट के, कि जहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं डाइवोर्स के लिए, कोई कंडीशनल ब्रीच वगैरह नहीं था, कोई कंडीशनल ब्रीच वगैरह नहीं था। यहां पे क्या है, खुला में हम देखते हैं, खुला में क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट के ये दो डाइवोर्स के टाइप्स हैं, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब म्यूचुअली अग्री कैसे करते हैं डाइवोर्स के लिए, तो पहला फॉर्म है खुला का। खुला में क्या होगा, कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए, अब है बिल्कुल कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे आपके पास फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने, इन फैक्ट्स को याद रखते जाओगे पेपर आपका बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप चाहो तो इस क्लास के बाद क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके भी देख लेना, प्रीवियस ईयर के सॉल्व करके देख लेना आपके कितने बनते हैं। आपके अगर 90% क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये समझो कि मेरा काम तो हो गया, मैं ये समझूंगा कि मेरा काम हो गया, और आप भी ये समझना कि आपका काम हो गया पढ़ने का, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट में कोशिश यही करनी चाहिए कि मिनिमम 90% तो मैं लेकर के ही आऊं, और उसके बाद थोड़ी सी और पढ़ाई के बाद आप और जो दो तीन क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। चलिए खुला के बारे में बात करते हैं। तो खुला में ये बताया गया सिंपल सी कहानी कि देखिए, खुला में ये बताया गया आपको कि वाइफ क्या करेगी, वाइफ एक ऑफर देगी, और वाइफ ऑफर में क्या देगी कि देखो ऐसा करो डाइवोर्स ले लेते हैं, इस मैरिज को एंड कर देते हैं, और कुछ कंसिडरेशन मैं तुम्हें दे देती हूं, कुछ पैसा वैसा चाहिए तो बताओ, लाख दो लाख रुपए ले लो और डाइवोर्स कर लेते हैं, इस मैरिज को डिसॉल्व कर देते हैं, और अगर हस्बैंड अग्री कर लेता है, कंसिडरेशन यहां पे होना जरूरी है, कंसिडरेशन वाइफ की तरफ से मिल जाता है, हस्बैंड ले लेता है, अग्री कर लेता है कि चलो डाइवोर्स कर लेते हैं, तो ये म्यूचुअल कंसेंट से खुला वाला डाइवोर्स हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद है मुबारक। यहां पे भी यही सेम कंडीशन है कि वाइफ की तरफ से ऑफर है, हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया, यहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन के बिना है तो क्या है, मुबारक है, कंसिडरेशन के साथ है तो क्या है, खुला है, बस ये डिफरेंस है याद रखना यहां पे, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत यहां पे नहीं है। तो ये हो गए। अब इसके बाद देखिए लियान और फस्क, देखिए एक और लियान ही बस याद कर लीजिए आप। लियान में क्या है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लगाता है, और एलिगेशंस किसके, कि देखो एलिगेशंस लगाता है किसके, एडल्ट्रस रिलेशनशिप है, दिस वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री, तो इस एडल्ट्री के फॉल्स एलिगेशंस की वजह से वाइफ को क्या मिल जाता है, अधिकार डाइवोर्स लेने का। अगर हस्बैंड क्या लगाए, हाँ दोनों में वाइफ ही डाइवोर्स लेती है, खुला और मुबारक में दोनों में वाइफ ही है, लेकिन म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं दोनों पार्टीज, अदरवाइज वाइफ के पास कोई अधिकार नहीं था ना, वाइफ के पास तो कोई अधिकार है ही नहीं डाइवोर्स लेने का, जब दोनों अग्री करेंगे, हस्बैंड ने अग्री कर लिया उसके बाद वो सेपरेट हो सकते हैं। अब इसके बाद देखिए लियान में क्या बताया गया कि फॉल्स एलिगेशन है, और फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं तो डाइवोर्स लिया जा सकता है। फस्क भी छोटा सा बस आप दो मिनट में पढ़ लीजिए, जैसे आप हिंदू लॉ में पढ़ते हैं ना, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज,
इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि दोनों लोग के बीच में इतनी अनबन हो गई है कि अब बन ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है कि इनके बीच में किसी तरीके का मिटिगेशन हो सके, किसी भी कारण से किसी भी तरीके से ये रिश्ता आगे चल नहीं सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति में ये लोग पहुंच चुके हैं, ये मैरिज ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुकी है, तो ऐसे में क्या कर लेना बेहतर है, ऐसे में डाइवोर्स ले लेना बेहतर है। तो फर्स्ट का मतलब क्या है, ऐसी परिस्थिति में मैरिज पहुंच चुकी है जहां पे अब इनका साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो ये काजी के पास जा सकते हैं और इसके बाद काजी इनका डाइवोर्स करा देगा, इनके मैरिज को खत्म कर देगा। दोनों लोग के पॉइंट्स को सुनने के बाद वो क्या कर सकता है, मैरिज को एंड करा सकता है। अब इसके बाद देखिए हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री पे आते हैं। अब इसके लिए आपको लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी ये है एक बार बस क्या करना, एक बार इस क्लास को एंड होने के बाद ये लेजिस्लेशन देख लेना, ज्यादा नहीं है, 5-6 सेक्शंस हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट एक बार देख लेना, और इसमें भी आपको कुछ नहीं देखना, बस सेक्शन 2 और 3 देखना है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। देखो भाई इसमें बताया क्या है, इसमें सेक्शन 2 देखना है आपने, इसमें ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के, ठीक। इसमें क्वेश्चन एक आया था मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कितने समय के लिए नहीं पे किया जाता है तो डाइवोर्स ले लिया जा सकता है वाइफ के द्वारा। अगर वाइफ को मेंटेनेंस ना पे किया जाए, मेंटेनेंस ना पे किया जाए अगर वाइफ को, तो ऐसे में कितने समय के टाइम के बाद वाइफ का अधिकार हो जाता है डाइवोर्स लेने का, ये एक बात है। ये एक प्रश्न आया था पिछली बार, आया था ये क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद छोटे मोटे ग्राउंड्स हैं जब बहुत खास नहीं है, जैसे कि किसी के हस्बैंड को पनिशमेंट हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए 7 ईयर्स या अबव की, तो वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। वैसे ही किसी को डिजीज हो, कोई इम्पोटेंसी हो, तो इन कारणों से अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, तो ये सब चीज़ों से क्या किया जा सकता है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। ये रीजंस हैं, ये कारण है जहाँ पे डाइवोर्स पॉसिबल है बाय जुडिशियल डिक्री। रेलेवेंट सेक्शंस क्या क्या हैं आपके लिए, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 इस लेजिस्लेशन के, छोटा सा लेजिस्लेशन है, एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। और इसके अलावा और ज़्यादा कुछ खास आपको पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। चलिए डिसोल्यूशन हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद आपसे छोटी मोटी 2-3 बातें हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे मेंटेनेंस के बारे में बात की जाए, तो मेंटेनेंस पे करना है, मेंटेनेंस कहाँ है, शाहबानो केस आपको पता है, समीम आरा केस, ये सब रिलेटेड हैं मेंटेनेंस से। इन केसेस को एक बार आप साइटेशंस इन केसेस की जरूर देख लें, यहां से आपका काम हो जाएगा। बस यही पूछा जाएगा इनमें से कौन सा केस मेंटेनेंस से रिलेटेड है, कौन सा केस रिलेटेड नहीं है, कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आ सकता है, तो डेट आपको याद होना चाहिए कि कौन सा केस पहले है, कौन सा केस बाद में है, ठीक। साइटेशंस अगर आप पूरी नहीं भी याद कर सकते तो सिर्फ डेट याद कर लेंगे तो भी, यानी ईयर याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, वो बहुत ईजी टास्क है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब इसके साथ और क्या आपको पढ़ लेना चाहिए, इसके साथ आपको प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, ये पढ़ लेंगे आप 1986 वाला, इसके अंदर सेक्शन 5 पढ़ लीजिएगा, बस सेक्शन 5 पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। इस लेजिस्लेशन में बस इतना ही है आपके लिए इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेशन में क्या किया गया था, देखिए कहानी तो बहुत लंबी है, कैसे शाहबानों में किस तरीके से
रिलेवेंस हुआ 125 सीआरपीसी का, वहाँ पे मेंटेनेंस दिया जाना है नहीं दिया जाना है, कोर्ट ने बोला मेंटेनेंस दिया जाना है, लेजिस्लेशन लाया गया ये वाला और बता दिया गया कि देखो ऑप्शन है पार्टीज़ के पास, पार्टीज़ अगर अग्री करती हैं दोनों पार्टी एफिडेविट फाइल करती हैं कि हाँ हम 125 सीआरपीसी से गवर्न होना चाहते हैं तभी 125 सीआरपीसी लगेगा, अदरवाइज इस लेजिस्लेशन के हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाएगा। इस लेजिस्लेशन में क्या है कि मेंटेनेंस नहीं दिया जाना है, मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक दिया जाना है, इद्दत पीरियड के बियॉन्ड मेंटेनेंस नहीं दिया जाना है, डावर पे किया जाना है, और उसके बियॉन्ड अगर मेंटेनेंस दिया जाना है तो वक्फ बोर्ड मेंटेनेंस देगा, रिलेटिव्स मेंटेनेंस देंगे, जो इस महिला के जो इसके मैटरनल साइड के जो भी रिलेटिव्स हैं उनमें जैसे इसके फादर हो गए वो मेंटेनेंस देना है उनको, या फिर कोई रिलेटिव अगर इसका केपेबल नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड को दिया जाना है, वक्फ बोर्ड के द्वारा मेंटेनेंस दिया जाना, ये इस लेजिस्लेशन में आपको पता चलता है। ये छोटी सी सिंपल सी बात है, मेंटेनेंस में बस इतना ध्यान रख लेना प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में तो आपको आंसर लिखने को आ सकता है, बड़ा आंसर होगा, उसकी प्रिपरेशन अलग तरीके से होती है, उसके बारे में भी हम अलग बात करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है वक्फ के बारे में। वक्फ के बारे में भी क्वेश्चन आता है और वक्फ में यही पूछा गया है, मैंने देखा है क्वेश्चन में कि इनमें से ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वक्फ में बहुत डिटेल में देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, प्री में सिर्फ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वक्फ में, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, कोई रिलीजियस पर्पस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर कोई रिलीजियस है तो ही वो वक्फ का एक वैलिड ऑब्जेक्ट है, तो ही वो वक्फ से रिलेट करेगा, अदरवाइज वो वक्फ से रिलेट नहीं करेगा। जैसे किसी फकीर को पेमेंट है, आर्म्स देना है, मस्जिद बनवानी है, कोई और रिलीजियस किसी को हज पे भेजना है उसके लिए फंड देना है, तो इन सब ये जो सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये एग्जांपल्स हैं, ये वैलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रिलेट करते हैं एक वक्फ से। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्ट नहीं है वक्फ का, तो उसमें एक ऑप्शन था जो कि रिलीजियस नहीं था। आप बस इतना सा याद रखें कि रिलीजियस पर्पस होना चाहिए, कुछ इसका चैरिटेबल होना चाहिए, और चैरिटेबल भी ऐसा कि जो रिलीजन के बेसिस पे या उसके तरफ से हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वक्फ एक बनाया जाए, वक्फ किस लिए बनाया जाए, वक्फ इसलिए बनाया जाए कि जो ना ही चैरिटेबल है ना ही रिलीजियस, और चैरिटेबल भी कैसा है, रिलीजियस नहीं है, तो वो वक्फ के एक वैलिड ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, वो वक्फ से रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। रिनंसिएशन भी याद कर लीजिएगा आप, उसमें एक ग्राउंड है कि 15 साल और 18 साल, 15 साल के पहले उसकी शादी हुई थी तो वो 15 साल की एज अटेन करने के बाद और 18 साल से पहले मैरिज को रिनाउंस कर सकती है, रिनंसिएशन हो सकता है, वो सिंपल सी बात है, वही सेम कहानी जैसा ही है, हिंदू लॉ जैसा ही सेम कहानी है। चलिए अब ये तो हो गई मुस्लिम लॉ के बारे में बात, इससे ज़्यादा कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये सब फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। कंसेप्ट भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि ब्रीफली आपको मैं समझा दूं, ब्रीफली मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, हालांकि आप भी जानते हैं बहुत बड़ा टास्क है मुस्लिम लॉ, जिसको पढ़ने में आपको अगर आप पढ़ें डेली, अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो भी आपको कम से कम 1 महीना लगेगा मुस्लिम लॉ कम्प्लीटली पढ़ने में, कॉम्पिटिशन के हिसाब से, डिटेल पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन के लिए, लेकिन हमने अभी इसको कोशिश की है 1.5 घंटे में ख़त्म करने की। तो ये है मुस्लिम लॉ का पूरा जो रैपिड रिवीजन हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है? हिंदू लॉ कल करवा दे मॉर्निंग में? अच्छा देखिए, आज मुस्लिम लॉ कर लीजिए, अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, हिंदू लॉ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा आप सब लोग बताएंगे वैसा ही करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी कि क्या करना है, उस हिसाब से ही करेंगे। आपका कन्वीनियंस, आपका ही ओपिनियन लेकर के हम चल रहे हैं भाई, और वैसे ही चलेंगे। आपको एग्जामिनेशन के लिए जो भी चाहिए, जो सहूलियत है, वो हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। चलिए ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग अभी लाइव हो, आप मुझे अगर उत्तराखंड का पेपर देने वाले हो तो आप मुझे एक प्रॉमिस अगर करते हैं अभी कि आप इस क्लास के बाद तुरंत जा कर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ही फिर मैं कल मुस्लिम लॉ की क्लास लूँगा, हिंदू लॉ की लूँगा, अदरवाइज मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ।
अभी करवा देते हैं। देखिए अब वही बात है, कुछ अलग अलग ओपिनियंस हैं आप लोगों के, दो स्कूल्स में आप लोग डिवाइड हो गए हैं। एक स्कूल है जो कहता है कि अभी करा दो, एक स्कूल कहता है कि कल करा दो। अच्छा अभी प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, हिंदू लॉ का मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ और हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, डिस्कस कर लेते हैं हिंदू लॉ की। एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट के ब्रेक के बाद इस इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर लो अपने दिमाग में। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम क्या करते हैं, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम हिंदू लॉ करेंगे स्टार्ट। और हिंदू लॉ में मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊँगा अभी, और क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ याद रखनी है। हिंदू लॉ भी बहुत बड़ा नहीं है, शॉर्ट टाइम में ही यानी कम समय में ही हम कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए इसके बारे में। और आपके दोनों ही सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, ठीक। तो चलिए 2 मिनट का करवा देता हूं मैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइज, तो 2 मिनट का ब्रेक खत्म हो गया आपका, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदू लॉ के बारे में स्टार्ट करने से पहले बस एक सिंपल सी बात ये है, आपको ये ध्यान में रखना है हिंदू कौन है, इस डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। ये डेफिनेशन अगर आपको ध्यान में है तो एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म हो जाएगा कि भाई देखो ये लोग हैं जो हिंदू कहलाते हैं, इनसे ये सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ये रिपीटिशन हो सकता है इस क्वेश्चन का भी कि हिंदू कौन है। तो भाई देखिए हिंदू में कौन कौन आता है, हु इज बॉर्न हिंदू, ठीक। इसका मतलब क्या है, बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर हिंदू, आइदर ऑफ द पेरेंट वॉज हिंदू या इज हिंदू, बट ही इज या दैट पर्सन इज ब्रॉट अप एज अ हिंदू। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें इंक्लूडेड कौन कौन है, इसमें इंक्लूडेड है बुद्ध, सिख, जैन, वैष्णव एंड लिंगायत। ठीक है, ये लोग इंक्लूडेड हैं। और इंक्लूडेड कौन नहीं है इसके अंदर, इंक्लूडेड कौन नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है मोहंडन, मुस्लिम इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर,
क्रिश्चियंस इंक्लूडेड नहीं है और इसके अंदर पारसीज इंक्लूडेड नहीं है। इनको छोड़ करके देखिए, इनको छोड़ देना है, नॉट इंक्लूडेड। ये लोग हिंदू हैं, ठीक, ये याद रखना है आपने। अब इसके बाद देखिए एक्ट के बारे में बात करते हैं हम। सारे एक्ट में आप देखेंगे हिंदू की डेफिनेशन दी हुई है, जितने भी लेजिस्लेशंस हैं हिंदू लॉ के अंदर। अब एक सिंपल सी बात मैं पहले आपके साथ करता हूं, हिंदू कोड बिल के बारे में, हिंदू कोड बिल। देखिए ये पास हो जाता अगर तो आप चार लेजिस्लेशंस पढ़ने से बच जाते, यानी चार डिफरेंट लेजिस्लेशंस आपको नहीं पढ़ना पड़ता। आपको क्या पढ़ना पड़ता, सिर्फ एक हिंदू कोड पढ़ना पड़ता। जैसे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आईपीसी है आपका, इंडियन पिनल कोड, वैसे ही हिंदू कोड होता। लेकिन ये पास नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टोरी में, जब आप हिंदू लॉ स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, मैं भी डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। हिंदू लॉ इसको कोर्ट बिल को फ्रेम करने के लिए कमिटीज़ बनाई गई, बी एन राव साहब का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और उसके बाद इसका ड्राफ्ट दिया। और फाइनली क्या हो पाया, फाइनली ये हो पाया कि एक पहले लेजिस्लेशन आता है हिंदू मैरिज एक्ट, और वो हिंदू मैरिज एक्ट का लेजिस्लेशन कब आता है, वो आता है 1955 में। बाकी तीन लेजिस्लेशंस कब आते हैं, 1956 में। एक बार में सिर्फ यही पास हो पाया था, बाकी लेजिस्लेशंस तीन अगले साल पास होते हैं। वो सारे इंक्लूडेड कहाँ थे, इसी बिल में, कोड में ही इंक्लूडेड थे, लेकिन उनको बाइफरकेट करके अलग अलग पास किया गया। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ठीक, अब देखिए इन लेजिस्लेशंस में आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, सेक्शन 2, 3, 5, 6 तो हटाई दीजिए, 7, इसके बाद आपका 11, 12, 13, इसके बाद 21, बीच में 18 और 17 से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ तक से भी काम चल जाएगा आपका, 23 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सेक्शंस के बेसिस पे देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू लॉ में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट से बनते हैं, और लगभग इन सारे सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सेक्शन, जब हम 11, 12 की बात करते हैं, सेक्शन 13 की बात करते हैं, 9, 10 को क्यों छोड़ दिया, हाँ इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन पिक्चर में आ जाता है, केस लॉज भी पिक्चर में आ जाते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट को सबसे ज़्यादा डिटेल में आपने पढ़ना है, यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लगभग 70% क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं। इसके बाद जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट से आते हैं। इसके बाद भी जो क्वेश्चन बच जाते हैं, इसके बाद भी अगर कुछ आना है तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से आएगा आपके पास। और उसके बाद भी अगर किसी एग्जामिनर का मन होता है कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करने का, तो फिर वो माइनॉरिटी और गार्जियनशिप से आएगा। और लेकिन इससे एकदम घिसा पिटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो आने वाला है। आपको पता है कि इससे इसमें 13 ही सेक्शंस हैं और उनमें भी बस यही पूछता है कि गार्जियन कौन होता है, गार्जियन के पावर्स क्या हैं। बहुत छोटा सा लेजिस्लेशन, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैरिज एक्ट है, इसको डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा मैरिज एक्ट के बारे में। मैरिज एक्ट में हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा हिंदू की डेफिनेशन जो इम्पॉर्टेंट है, और हिंदू की डेफिनेशन इन सब में दी हुई है, सब में इम्पॉर्टेंट है हिंदू की डेफिनेशन। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि किसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ये समझने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कि डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है।
नहीं एबीसीडी जी, आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। विदाउट डाइवोर्स कैसे हो सकता है, वो मैरिज वैलिड नहीं होगी ना, पॉली एंट्री हो जाएगा, और पॉली एंट्री तो वाइड है, पॉली एंट्री पॉसिबल नहीं है, वो मैरिज हो नहीं सकती है। चलिए अब देखिए, बात करते हैं हम मैरिज के बारे में हिंदूज के, यहाँ पे एसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, एसेंशियल्स ऑफ मैरिज सबसे पहला डिस्कशन आपका, और एसेंशियल्स यहाँ कैसे चलेंगे, एसेंशियल सेक्शन 5 के बेसिस पे चलेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के। यहाँ पे बेयर एक्ट का पूरा रोल है, बेयर एक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, बेयर एक्ट के हिसाब से ये आपको आंसर करना पड़ेगा, बेयर एक्ट ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो भाई देखो, बेयर एक्ट को ओपन कर लो अभी आप हिंदू मैरिज एक्ट की, और बेयर एक्ट में मार्क भी करते चलो साथ साथ में। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, देखिए यहीं पे एसेंशियल कंडीशंस को याद करते चलिए आप, पांच एसेंशियल कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहली क्या है कि स्पाउस कोई लिविंग नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, साउंड माइंड का इंसान होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, या इट इज नॉट, ही इज नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस मैरिज, ही इज नॉट एबल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैरिज, ही इज नॉट एबल टू फुलफिल द मैरिटल ऑब्लिगेशंस। इसके अलावा क्या है कि ही इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोक्रिएटिंग। तो अगर ये कंडीशन है बिकॉज ऑफ हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो वो भी नहीं होना चाहिए, उसका साउंड माइंड का होना जरूरी है, दैट पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। और इसके अलावा क्या है, एज बताई गई है, देखिए एज क्या होनी चाहिए, 18 साल और 21 साल। मुस्लिम्स में क्या थी एज, वहां पे प्यूबर्टी था, एज कोई नहीं बताई गई, प्यूबर्टी था, और प्यूबर्टी का प्रिजम्पशन क्या है, 15 साल। यहां पे क्या है, एज 18 साल फीमेल के लिए और 21 साल मेल के लिए। इसके बाद देखिए एज के साथ साथ और क्या है, ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। अगर ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है तो इनके बीच में मैरिज नहीं हो सकती है, और अगर ये सपिंड है तो इनके बीच में मैरिज नहीं हो सकती है। सपिंड आप जानते हैं क्या होता है, सपिंड यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं है। सपिंड क्या है, 5 जनरेशन तक फादर की साइड में कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए दोनों का, जिनके बीच में शादी हो रही है। अगर ऐसा है कि उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, वो कहां पे, 5th जनरेशन तक में ही, तो ऐसे में उनके बीच में शादी नहीं हो सकती है। वैसे ही मदर के साइड में 3 जनरेशन तक, अगर 3 जनरेशन तक आप देख रहे हो और कॉमन एंसेस्टर 3 जनरेशन में जाकर के ही कहीं मिल जा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, सपिंड कहलाएंगे, और उनके बीच में मैरिज नहीं हो सकती है। वैसे ही प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी आप डेफिनेशन क्लॉज में ही देखते हैं कि डिफाइन किया गया है, कुछ रिलेशन को बताया गया कि ये लोग प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं, ब्रदर सिस्टर और जो ऐसे रिलेशन्स हैं उनके साथ ये भी बताया गया है कि भाई देखो ये रिलेशनशिप्स जो हैं, चाहे फुल ब्लड के हों, हाफ ब्लड के हों, चाहे यूटराइन ब्लड के हों, आप शादी नहीं कर सकते, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटराइन ब्लड, कहीं पे भी शादी नहीं कर सकते आप। वैसे ही बताया गया कि जैसे आंट हैं, मेटरनल आंट हैं, अंकल हैं, इनसे शादी नहीं किया जा सकता, नीस से शादी नहीं किया जा सकता, जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। देखिए डीपली हम इसलिए नहीं बता सकते होप सीलिंग जी, क्योंकि हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, हमें बस प्रिपरेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब पढ़ चुके हैं, बस हमें क्या करना है, एक लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए कि हाँ ये बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भूल ना रहा हो, और कहीं अगर कंसेप्चुअल कोई क्लैरिटी चाहिए होगी तो वो आप लोग बता देंगे, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे ज़रूर। अब देखिए स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस हो गई। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया। अब इसमें से क्या मैरिज को वॉइडेबल बनाता है और क्या मैरिज को वॉइड बनाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये मैरिज को क्या बनाएगा, ये मैरिज को बना देगा वॉइड, ये दोनों मैरिज को बना देंगे वॉइड, ये बना देगा मैरिज को वॉइडेबल, और ये वाला जो थर्ड वाला है इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कम एज में विवाह कर लेता है, ये एज नहीं है, तो भी ये मैरिज कैसी मैरिज रहेगी, वैलिड मैरिज रहेगी। ये एसेंशियल तो है, लेकिन उसके बावजूद भी मैरिज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैरिज विल बी अ वैलिड मैरिज,
ये फैक्टम वैलेट हो गया, यानी कि फैक्ट्स ऐसी कोई एक्ट जो कि किया नहीं जाना चाहिए था लेकिन कर दिया गया, तो उसको हम इनवैलिड नहीं करेंगे, वो वैलिड ही माना जाएगा। ये फैक्टम वैलिड की बात हम कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। देखिए वैलिड मैरिज होगी ये थर्ड वाली कंडीशन में, अगर एज कम होए तो उसके बावजूद भी होगा क्या, ऐसे में पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट कहां पे है, इस लेजिस्लेशन में भी है 18 में सेक्शन 18 में, और उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में भी है, वहां पे भी पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो सही बात है कि पनिशमेंट मिल जाएगी इसको, लेकिन मैरिज का स्टेटस चेंज नहीं होगा, मैरिज कैसी रहेगी, वैलिड मैरिज रहेगी, ठीक। अब एसेंशियल के साथ एक चीज और जोड़ लीजिएगा आप इसमें, प्लस क्या है, प्लस ये है सेरेमनीज। सेरेमनीज क्या होनी चाहिए, सेरेमनीज होनी चाहिए मैरिज के लिए जरूरी। सेरेमनीज किसकी चलेंगी, आइदर पार्टी की सेरेमनी चलेगी, किसी भी पार्टी की सेरेमनी हो वो चल जाएगी, लेकिन सेरेमनी होना ज़रूरी है, सेरेमनी होना ज़रूरी है, बिना सेरेमनी के शादी नहीं हो सकती। अगर आपने सिर्फ वो जैसे फिल्मों में दिखाता है ना कि लड़का लड़की घर से भाग गए और घर से भागने के बाद एक चेयर पे लात मारी हीरो ने और चेयर टूट गई और उस पर आग लगा दी और उसके साथ फेरे ले लिए, तो ऐसे मैरिज नहीं होंगे। ये एक सेरेमनी नहीं है मैरिज की, ये मैरिज क्या सेरेमनी के बारे में क्या बताता है सेक्शन 7 कि आइदर पार्टी के जो सेरेमनीज हैं उनके कस्टम के हिसाब से, उसके हिसाब से ये आपको करना है, जब तक वो नहीं करोगे शादी नहीं होगी। चलिए अभी बात करते हैं हम आगे, सेरेमनीज के बारे में बात कर लिया हमने, सेरेमनी से रिलेटेड सप्तपदी के बारे में बात कर लेते हैं। सप्तपदी क्या एक सेरेमनी है या क्या एसेंशियल है, इसका कोई आंसर देगा आप में से? ये बताइए बच्चों, क्या सप्तपदी एक एसेंशियल है शादी के लिए, क्या बिना सप्तपदी के शादी हो सकती है? हाँ जी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, ठीक है। तो हो सकती है इसके बिना, इसके सप्तपदी के होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन अगर कहीं सप्तपदी एक एसेंशियल कस्टम है, यानी आपकी सेरेमनी में सप्तपदी आता है, आप ऐसे किसी ट्राइब को, आप ऐसे किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जहां पे सप्तपदी का चलन है, सप्तपदी एक कस्टम है, एक सेरेमनी की तरह वैलिड एक सेरेमनी है जिसको कि फॉलो किया जाता है, तो ऐसे में सप्तपदी कराना पड़ेगा। और सप्तपदी के यानी कि सेवेंथ स्टेप लेने के बाद, सेवेंथ स्टेप लेते ही मैरिज क्या हो जाएगी, मैरिज कंप्लीट एंड बाइंडिंग हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी, कब कंप्लीट होगी, जब आप सेवेंथ स्टेप ले लोगे तब कंप्लीट हो जाएगी। ये सेरेमनी के बारे में बात थी, ठीक। अब यहीं से आप आगे बढ़ जाइए, सीधे आगे बढ़ जाइए आप वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले वॉइड मैरिज समझ लीजिए, वॉइड मैरिज में क्या आपको बताया गया, वॉइड मैरिज में यह बताया गया कि ये जो कंडीशंस थी ना वो वाइड मैरिज वाली, कि बाइगेमी नहीं होनी चाहिए, यानी अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका एक लिविंग स्पाउस है तो वो दोबारा शादी करता है तो वो सेकेंड मैरिज क्या होगी, वाइड मैरिज होगी। कोई अगर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में या फिर सबिंड में मैरिज करता है तो वो क्या मैरिज होगी, एक वाइड मैरिज होगी। इसमें कोई परेशानी की बात आपको नहीं है। बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की, वॉइडेबल मैरिज में क्या होता है, देखिए वॉइडेबल मैरिज में ये होता है कि ये चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक इसको डिक्लेयर ना कर दिया जाए एज अ वॉइड मैरिज, इसको वॉइड डिक्लेयर कराना पड़ेगा, इस मैरिज को एंड कराना पड़ेगा। जब तक आप एंड नहीं कराते, तो ये डिक्लेरेशन आप कोर्ट के द्वारा नहीं ले लेते हो, तब तक ये मैरिज कैसे रहेगी, मैरिज ये चलती रहेगी। और इस मैरिज के चलते रहने का मतलब क्या है कि सारी पार्टीज को राइट्स वैसे ही होंगे, वही म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे जो एक वैलिड मैरिज के होते हैं। अनटिल एंड अनलेस ये मैरिज डिक्लेयर की जाती है
वॉइड तब तक ये मैरिज वैलिड मैरिज जैसी ही रहेगी। लेकिन वॉइडेबल मैरिज कौन सी मैरिजेस होती हैं, ये भी तो बात है। तो भाई देखिए, वॉइडेबल मैरिजेस वो मैरिजेस होती हैं जहां पे सबसे पहली बात है कंसेंट प्रॉपर वे में नहीं ली गई है। कंसेंट कैसे ली गई है? कंसेंट ली गई है फ्रॉड से, कंसेंट ली गई है कोअर्जन से। तो अगर किसी फोर्स या फ्रॉड से कंसेंट ली गई है तो ऐसी कंसेंट उस मैरिज को क्या बना देती है? ऐसी कंसेंट उस मैरिज को एक वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज बना देती है। लेकिन इसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी ये है कि जैसे ही वो फ्रॉड का आपने डिस्कवरी कर ली, उसके एक साल के अंदर आप आ जाइए इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए। अदरवाइज हम ये मान लेंगे कि आपने, आपको इससे कोई समस्या नहीं है और आप इस मैरिज को वैलिड मैरिज जैसा ही चलाना चाहते हैं। कोअर्जन में भी क्या है, वही है, जैसे ही कोअर्जन हटा उसके एक साल के अंदर आप आ जाइए, अदरवाइज हम मान लेंगे कि ये क्या है, ये एक वैलिड मैरिज, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और आपको इससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये बात हो गई वॉइडेबल मैरिज के बारे में। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में है, और चीज़ें हैं कि किसी ये कंसेंट, ये फ्रॉड वाली और ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वॉइडेबल मैरिज से यहाँ से ये आपको पूछा जाएगा, सेक्शन 11 और 12, ये दो सेक्शंस एक बार ज़रूर एग्जाम में रीड करके जाएं। अभी आप जब एंड करेंगे सेशन तो सेक्शन 11 और 12 को भी पढ़ेंगे साथ में, यहाँ से भी एक आध प्रश्न बनता है, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इसके अलावा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, डाइवोर्स की बात कर लीजिएगा। डाइवोर्स सेक्शन 13 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डाइवोर्स में क्या है, कुछ ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स लेने के लिए। भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किसी का है, सेक्शन 13 में क्या बताता है, ग्राउंड्स बताता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किसी का है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से क्या हो जाएगा, डाइवोर्स लिया जा सकता है। ठीक, आइदर हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकता है। क्रूएलिटी कमिट किया गया हो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। किसी पर्सन को कोई डिजीज हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो जाए, ये कौन सी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ये जो शादी के पहले नहीं थी लेकिन शादी के बाद आ गई है, ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति है तो क्या किया जा सकता है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। हस्बैंड या वाइफ क्या हो जाए, गायब हो जाए फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और मोर, तो 7 ईयर्स के बाद क्या हो सकता है, इसको डाइवोर्स का एक ग्राउंड बना के डाइवोर्स लिया जा सकता है। रिनाउंस कर दिया हो वर्ल्ड को, छोड़ करके चले गए हो, तो भी इस ग्राउंड पे क्या किया जा सकता है, डाइवोर्स लिया जा सकता है दूसरी पार्टी से। सीजेस टू बी अ हिंदू, हिंदू नहीं रह गया अब वो, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इस ग्राउंड पे भी क्या किया जा सकता है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। इम्पोटेंसी, पार्टी क्या है, इम्पोर्टेंट है, इस ग्राउंड पे भी क्या किया जा सकता है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। इम्पोटेंसी कैसी इम्पोटेंसी है, बाद की इम्पोटेंसी है, पहले वाली इम्पोटेंसी होती तो क्या हो जाता, वहाँ पे हम उसको डिक्लेयर करा लेते। हाँ जी बिल्कुल अपूर सैनी, यहाँ पे प्रिजम्पशन, ये 7 ईयर गायब वाले में 108 का प्रिजम्पशन चलेगा, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर पहले वाली इम्पोटेंसी होती तो वहाँ पे हम क्या करते, वॉइडेबल मैरिज की तरह उसको वॉइडेबल मैरिज मान करके उसको हम डिक्लेयर करा लेते वॉइडेबल। यहाँ पे एक ग्राउंड बन जाएगा आपका डाइवोर्स का। ये जो ग्राउंड्स अभी आपने देखे ये क्या है, कॉमन ग्राउंड्स हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल हैं, ये कॉमन ग्राउंड्स हैं। इसके बाद देखिए कुछ ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं, इस पे प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप ये सबसेक्शन 2 इसका जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सबसेक्शन 2 में आपको क्या बताया गया, देखिए ग्राउंड से बताया गया वाइफ के लिए जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है कि मैरिज कब हुई थी, मैरिज हुई थी कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट से पहले, 1955 से पहले मैरिज हुई थी, 1955 से पहले किसी की मैरिज हुई थी। और मैरिज के बाद क्या है कि इस हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ लिविंग है, जब ये एक्ट आया 1955 का एक्ट आया उस समय किसी व्यक्ति की दोनों पत्नियां जीवित हैं या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, पहले लोग 3-4 शादियां भी किया करते थे, तो
तो अगर जीवित हैं ज्यादा एक से ज्यादा पत्नियां, तो इसमें से कोई भी एक पत्नी क्या कर सकती है, इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है कि एक से ज्यादा इनकी पत्नियां हैं, मैरिज तो वॉइड नहीं होगी। अगर 1955 के बाद ये ऐसा करता, एक और शादी कर लेता, तो फिर तो वो सेकेंड मैरिज वॉइड होती, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है, वॉइड नहीं है मैरिज, मैरिज तो सबकी वैलिड है क्योंकि 1955 से पहले हुआ था, लेकिन वाइफ के पास एक ग्राउंड आ गया कि वो डाइवोर्स ले सकती है। वैसे ही देखिए, और वाइफ के पास एक्स्ट्रा ग्राउंड क्या है, ये एक्स्ट्रा मैरिजेस के सिचुएशन के बाद यहाँ पे है कि देखिए, हस्बैंड को अगर क्या हो जाए, पनिशमेंट हो जाए, कौन से ऑफेंसेस के लिए, हस्बैंड अगर रेप या सोडोमी जैसे ऑफेंसेस के लिए पनिश कर दिया जाए, इसको पनिश कर दिया जाए, तो ऐसे में भी वाइफ क्या कर सकती है, इस व्यक्ति से डाइवोर्स ले सकती है, डाइवोर्स लिया जा सकता है वाइफ के द्वारा। इसके बाद मेंटेनेंस का है, इसके बाद रेप्यूडिएशन है। देखिए, रेप्यूडिएशन किया जा सकता है वाइफ के द्वारा अगर किसी महिला का शादी, किसी भी फीमेल की शादी 15 ईयर से पहले हो गई थी, तो जब वो जैसे ही वो 15 ईयर्स एक्वायर कर ले और 18 ईयर से पहले, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मैरिज को रेप्यूडिएट करना पड़ेगा, वो मैरिज को रेप्यूडिएट कर दे, वो बोल दे कि मेरे लिए ये मैरिज के कोई मायने नहीं है, मैं इस मैरिज को ख़त्म करती हूँ अपनी तरफ से, मैंने इस मैरिज को क्या कर दिया, रेप्यूडिएट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जब वो मैरिज को रेप्यूडिएट कर देगी तो ये ग्राउंड बन जाता है किस चीज़ का, डाइवोर्स का एक ग्राउंड है, सिंपल सा, ठीक। तो वाइफ के लिए भी क्या है, एक्स्ट्रा कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं, वाइफ भी डाइवोर्स ले सकती है इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर। अब देखिए, डाइवोर्स हो गया आपका, डाइवोर्स से ही रिलेटेड क्या एक चीज है, डाइवोर्स से रिलेटेड है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन क्या है, ऐसा ही है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए ग्राउंड्स क्या है, सेम यही ग्राउंड है, पहले डिफरेंट ग्राउंड हुआ करते थे लेकिन बाद में सेम ग्राउंड कर दिए गए जुडिशियल सेपरेशन। और डाइवोर्स के लिए तब कोई भी पार्टी अगर कोर्ट में जाती है, कोर्ट में कोई भी पार्टी अगर जाती है, तो कोर्ट्स क्या कर सकती हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग द डिक्री फॉर डाइवोर्स, वो पहले जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे सकती हैं, और जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद एक साल बाद वापस आकर के इन लोग कोर्ट को बता सकते हैं कि देखिए, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हुई थी और हमारे बीच में किसी तरीके का कोई रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है, हम अब डाइवोर्स फाइनल चाहते हैं, आप हमें डाइवोर्स दे दीजिए, तो डाइवोर्स हो जाता है। जुडिशियल सेपरेशन के दौरान क्या होता है, जुडिशियल सेपरेशन के दौरान दोनों पार्टीज को एक दूसरे का फ्री एक्सेस नहीं होता है, यानी कि कोई फोर्सफुली दूसरी पार्टी के पास नहीं जा सकता है, बिना उसकी इच्छा के नहीं जा सकता। दोनों पार्टीज अगर म्यूचुअली एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं तो ही आ सकते हैं, अदरवाइज प्रोहिबिटेड है कि भाई उसके पास आप मत जाना, फोर्सफुली आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। मैरिज टाई अभी कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, मैरिज टाई कब कंप्लीटली ब्रेक होगा, जब डाइवोर्स फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तब मैरिज टाई ब्रेक होगा, अदरवाइज मैरिज टाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है इन दोनों पार्टीज के बीच में। ग्राउंड क्या है दोनों के लिए, ग्राउंड सेम है कि डाइवोर्स के लिए भी ग्राउंड वही है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी ग्राउंड वही है, जुडिशियल सेपरेशन पहले होगा, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में है, डाइवोर्स उसके बाद होता है जनरली, या डायरेक्टली डाइवोर्स की भी डिक्री दी जा सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले जुडिशियल सेपरेशन की ही डिक्री दी जानी है, ये एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है जो कोर्ट्स जनरली दे देती हैं, ऑल्टरनेटिवली इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन दिया जा सकता है। अब भाई, दो पार्टीज हैं, आपस में झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, झगड़े लड़ाई अगर होते हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी की कंपनी से विड्रॉ कर लेता है विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, तो दूसरा पार्टी क्या करे, तो दूसरे पार्टी के पास एक रेमेडी दी हुई है, रेमेडी क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। देखिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट किस में है, सेक्शन 9 में है। इसमें आपको प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न देखिए चार्ट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेक्शन किससे रिलेट करता है, इसमें क्या है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा बात क्या है, आपसे सेक्शन से रिलेटेड ये चीज पूछी जा सकती है कि विड्रॉल किसकी तरफ से है, विड्रॉल विदाउट रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है। देखिए, यहां पे ये बताया गया है, जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे लाई करेगा जिस पर्सन ने विड्रॉ किया है,
बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, जिसने विड्रॉ किया है वो ये बताए कि वो रीजनेबल एक्सक्यूज के साथ उसने विड्रॉ किया है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली आप जाएंगे जब लेजिस्लेशन में और देखेंगे कि जो पर्सन सूट लेकर के आ रहा है, पहला इनिशियल बर्डन तो वो डिस्चार्ज करेगा, वो बताएगा कि रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था, उसके बाद चीजें यहां पे जाएंगी। लेकिन एग्जाम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात क्या लेकर के चलेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई कर रहा है, जिसने विड्रॉ किया है उसको हम बोलते हैं कि उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई कर रहा है, ठीक है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से ज्यादा आपको चलना है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा अभी साइड में रखना है प्री के लिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये कुछ सेक्शंस थे यहाँ पे, पनिशमेंट वाले दो सेक्शंस हैं उनको आप ध्यान में रख लीजिएगा, 17 और 18 पनिशमेंट वाले सेक्शंस के। देखिए पनिशमेंट वाले सेक्शंस हैं आपके 17 और 18, ये पनिशमेंट वाले सेक्शंस क्या बताते हैं भाई, देखो अगर आपने इनमें वॉयलेशन किया है, मैरिज के जो एसेंशियल्स है ना इनको वॉयलेट किया है, तो आपको क्या होगा, पनिशमेंट होगी। तो बाकी सबके लिए तो थोड़ी थोड़ी पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है वन मंथ का, फाइन है 1000 रुपीज का। लेकिन चाइल्ड मैरिज के लिए, अगर कोई पर्सन चाइल्ड मैरिज करता है, वो चाइल्ड मैरिज के लिए कितने के लिए पनिशेबल होगा, 1 साल तक के इम्प्रिजनमेंट के लिए, 1,00,000 रुपए तक के फाइन के लिए पनिशेबल होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो पनिशमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। पनिशमेंट पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हो रहा है और इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट कितनी है, ये जरूर एक बार पढ़िएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए 17 और 18 से, यहां से क्वेश्चन पहले भी आया है, इस बार भी आने के चांसेस हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीटेडली 17 और 18, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस लेजिस्लेशन में से, ठीक। अब इसके बाद देखिए बाकी बातें जो हैं, देखिए सक्सेशन एक्ट जो है, सक्सेशन एक्ट में से बहुत कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक आध क्वेश्चन कभी आ गया इक्का दुक्का कि कितनी प्रॉपर्टी जानी है, कितनी प्रॉपर्टी मिलनी है, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपने क्या करना है, अब आपने इसके बाद मेंटेनेंस एक्ट पढ़ना है। मेंटेनेंस एक्ट में एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट या कंसेप्ट मैं आपको कंसेप्चुअली समझा दे रहा हूँ, यहाँ से आपको यही समझ में बस रखना है। देखिए सबसे पहले तो एडॉप्शन की बात कर लीजिए, एडॉप्शन में कौन किसी को दे सकता है, ये व्यक्ति दे सकता है एडॉप्शन में किसी चाइल्ड को, क्या रिलेशन इससे होना चाहिए, फादर दे सकता है एडॉप्शन में, फादर नहीं है तो मदर दे सकती है, और इनके बाद जो गार्जियन है वो दे सकता है इसको एडॉप्शन में, ठीक है। जो भी डी जूरे गार्जियन है वो दे सकता है या फिर जो गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट है वो दे सकता है एडॉप्शन में। एडॉप्शन में किसको दिया जा सकता है, एडॉप्शन में किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है जो कि हिंदू होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका हिंदू होना जरूरी है, उसका एज का जरूरी है, एज कितनी होनी चाहिए, एज उसकी 15 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर का एडॉप्शन नहीं हो सकता, इससे ऊपर के किसी व्यक्ति का एडॉप्शन नहीं हो सकता। इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि अगर उन पार्टीज के कस्टम अलाउ करते हैं तो हो सकता है, 15 साल से ऊपर अगर किसी व्यक्ति का एडॉप्शन करना है तो उसके कस्टम अलाउ करने चाहिए, कस्टम अलाउ करेगा तो एडॉप्शन हो सकता है, अदरवाइज एडॉप्शन नहीं हो सकता है। अब इसके बाद देखिए आगे बातें करते हैं, कौन ले सकता है एडॉप्शन में, कोई भी मेल हिंदू ले सकता है, लेकिन अगर कोई मेल हिंदू ले रहा है तो वो क्या करेगा, कंसेंट लेगा, किसकी कंसेंट लेगा, अपने वाइफ की कंसेंट लेगा, एक से ज्यादा वाइफ है तो सारी वाइफ की कंसेंट लेने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो वाइफ की कंसेंट लेना यहाँ पे जरूरी है, कोई अगर फीमेल ले रही है, फीमेल भी एडॉप्शन में किसी चाइल्ड को ले सकती है, अगर उसका कोई हस्बैंड है तो हस्बैंड से क्या लेना है, कंसेंट लेना है, अंटिल एंड अनलेस कि हस्बैंड उसका क्या हो, अनसाउंड माइंड का हो, या हस्बैंड रिनाउंस कर चुका हो वर्ल्ड, या ये सारी चीज़ें, या कन्वर्ट कर चुका हो, इन सब ऐसी सिचुएशन नहीं है
तो उसको हस्बैंड की कंसेंट लेनी है. सेम गोज विद द मेल की अगर उसकी वाइफ है तो उसको कंसेंट लेनी है. क्या सिर्फ मैरिड लोग ही अडॉप्शन कर सकते हैं, किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, कोई भी पर्सन अडॉप्ट कर सकता है किसी को भी. अगर कोई एक बैचलर है मेल, वो किसी को अडॉप्ट करना चाहे तो वो अडॉप्ट कर सकता है. लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर वो किसी को अडॉप्ट करता है तो एज डिफरेंस होना जरूरी है, अगर ऑपोजिट सेक्स का चाइल्ड है तो. अगर कोई मेल किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एज डिफरेंस जरूरी है. कितना एज डिफरेंस जरूरी है, 21 ईयर्स का या 23 ईयर्स का? कितना एज डिफरेंस जरूरी है? एज डिफरेंस होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, अगर ऑपोजिट सेक्स का अडॉप्शन हो रहा है तो. अगर मेल फीमेल को कर रहा है या फीमेल मेल को कर रही है अडॉप्ट, तो ये डिफरेंस, एज डिफरेंस उन दोनों के बीच में होना चाहिए. ठीक. अब इसके बाद देखिए, अडॉप्शन जब भी किसी व्यक्ति का होता है तो उसके जो फैमिली है, जो वो फैमिली ऑफ बर्थ है, उस फैमिली ऑफ बर्थ से सारे टाइज छूट जाते हैं, सारे रिश्ते खत्म हो गए. जो नई फैमिली है, फैमिली ऑफ अडॉप्शन है, उस फैमिली में सारे रिलेशंस जुड़ जाते हैं. ठीक. यहां पे बस रिलेशन सारे टूट गए लेकिन फिर भी एक रिलेशन चलेगा. क्या रिलेशन चलेगा? वो मैरिज का प्रोहिबिशन अभी भी चलेगा. वो जो मैरिज का प्रोहिबिशन आपने देखा था ना कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स और सपिंड, वो अभी भी चल रहा है इस व्यक्ति के लिए, इस चाइल्ड के लिए. इसकी पुरानी फैमिली में भी चलेगा, अभी भी चलेगा. मैरिज ये अपनी पुरानी फैमिली में नहीं कर सकता है. यानी कि इसकी कोई रियल सिस्टर थी, इसको अडॉप्शन में दे दिया गया, अब ये नई फैमिली में चला गया ये व्यक्ति. इसकी पुरानी फैमिली से इसके सारे रिश्ते टूट गए, तो क्या इसकी सिस्टर अब इसकी सिस्टर नहीं रहेगी जो पुरानी फैमिली में थी? ऐसा नहीं है, वो अभी भी उसकी सिस्टर ही रहेगी और वो मैरिज उससे नहीं कर सकता है. वो प्रोहिबिटेड डिग्री वाले रिलेशन जो हैं वो वैसे ही चलेंगे. अडॉप्शन में लेने का किसी का इफेक्ट क्या होता है, अब इस नई फैमिली में इसके सारे राइट्स इसको मिल जाएंगे, वो सारी ड्यूटीज नई फैमिली में इसके ऊपर आ जाएगी. एडॉप्टिव सन को आप रियल सन की तरह ही समझें. एडॉप्टिव सन कैसा होता है? रियल सन की तरह ही होता है अडॉप्शन के बाद. इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के पास रियल सन है तो फिर वो सन अडॉप्ट नहीं कर सकता है. अगर उसके पास रियल सन है या फिर सन्स सन है, यानी प्री डिसीज सन सन है, तो भी वो क्या नहीं कर सकता है, सन अडॉप्ट नहीं कर सकता है. अगर कोई फैमिली, कोई पर्सन डॉटर अडॉप्ट करना चाहता है और उसकी डॉटर ऑलरेडी है, तो फिर वो डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकता है. या फिर अगर सन्स डॉटर है तो वो डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकता है. इसीलिए यही इसका रीज़न है कि अडॉप्टिव सन या अडॉप्टिव डॉटर कैसे बिहेव करते हैं या कैसे इनके राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, एकदम रियल सन या रियल डॉटर जैसे ही होते हैं. को पार्सनली प्रॉपर्टी में अधिकार होता है, ये प्रॉपर्टी सक्सीड करते हैं, इनहेरिटेंस में इनको प्रॉपर्टी मिलती है, इनके भी ड्यूटीज होती हैं मेंटेनेंस देने की, वो सारे अधिकार, वो सारी ड्यूटीज, सब कुछ सेम रहता है एज अ रियल सन. ये अडॉप्शन के बारे में कहानी है. इसके बाद इसी लेजिस्लेशन में आप मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं. मेंटेनेंस देखिए किसको किसको दिया जाता है, बस ये एक चीज आप इसमें इस लेजिस्लेशन में पढ़ लीजिएगा. मेंटेनेंस देखिए, वाइफ का मेंटेनेंस सबसे पहली बात, किसका मेंटेनेंस, वाइफ का मेंटेनेंस. एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना है, ये वाइफ का मेंटेनेंस हो गया. ठीक. इसके बाद क्या है, डिपेंडेंट्स का मेंटेनेंस. कौन कौन है डिपेंडेंट्स? देखिए बहुत सारे लोग हैं डिपेंडेंट्स में. फादर हो गया, मदर हो गए, चिल्ड्रेन हो गए. चिल्ड्रेन में कौन कौन हो गया, कोई भी जो भी माइनर चिल्ड्रेन है वो सारे हो गए, लेजिटिमेट इनलेजिटिमेट सारे हो गए. डॉटर जो है, मैरिड डॉटर माइनर है वो भी हो गई अगर उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर सकता. ये बात भी ध्यान रखिएगा, मैरिड डॉटर हस्बैंड मेंटेन नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन में उसको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस देना है. मेजर डॉटर है, माइनर नहीं रह गई है, मेजर डॉटर है, उसको भी क्या करना है, मेंटेन करना है, उसके मैरिज एक्सपेंसेस पूरे उठाने हैं, जो भी रीजनेबल मैरिज एक्सपेंसेस हैं वो उठाने हैं. ठीक. इसके बाद क्या है, लास्टली
आपका ये है कि हाँ ये लोग हो गए, इसके अलावा कोई भी ऐसा चाइल्ड जो कि मेजर है लेकिन डिसेबल्ड है उसको भी मेंटेनेंस आपको देना है, वो भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आता है। इसके बाद देखिए स्पेसिफिकली एक मेंटेनेंस किसके बारे में है, विडोड डॉटर इन लॉ के बारे में। ये जो विडोड डॉटर इन लॉ है इसको भी क्या करना है, इसको भी मेंटेनेंस देना है। यहां पे ये कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी किससे रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो यहां पे मैं आपके लिए देखिए सेक्शंस लिख देता हूं जो आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड पढ़ने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 18 से लेकर के 25 तक की कहानी इस लेजिस्लेशन में, 18 to 25, यहां से ही क्वेश्चन आपको बनेगा, यहीं से प्रश्न आएगा इस लेजिस्लेशन में। इसको अच्छे से कर लोगे, इन सेक्शंस को सिर्फ पढ़ लोगे तो आपका ये प्रोबेबिलिटी आप मान के चलो कि 90% ये है कि यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा और आपका सही आंसर होगा। इसको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना। वहां पे कोई डिफरेंस प्रियंका, वहां पे कोई डिफरेंस की जरूरत नहीं है। अगर एडॉप्शन सेम सेक्स का किया जाए, जैसे मेल पर्सन है, मैं अगर किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता हूं तो कोई एज डिफरेंस होने की जरूरत नहीं, वो एज डिफरेंस मिनिमम एज डिफरेंस होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मेरी एज मान लो 30 ईयर्स है और मैं किसी 15 ईयर्स के मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर आज की डेट में मैं चाहूं किसी 15 ईयर्स की एज की फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना तो मैं नहीं कर सकता। मेरे और उसकी एज में कितना डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स का एज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आपको सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 12 तक में ही काम चल जाएगा। ये सेक्शंस एडॉप्शन के बस ये सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां तक ही बस आप पढ़ लीजिएगा, इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहां तक में आपका काम चल जाएगा। यहीं से मेजरली आपको क्वेश्चन आने हैं, लेकिन एडॉप्शन में भी आपको क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट सेक्शन से नहीं आएगा। एडॉप्शन में क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस ये हैं कि कंसेप्ट से आएगा। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है एडॉप्शन में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कौन कौन दे सकता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, एडॉप्शन में किसको दिया जा सकता है, किसी भी चाइल्ड को दिया जा सकता है जिसकी एज 15 साल है, जो कि हिंदू है उसको एडॉप्शन में दिया जा सकता है। एडॉप्शन में कौन देगा, उसका एक फादर एडॉप्शन में दे सकता है, मदर एडॉप्शन में दे सकती है, ये लोग नहीं है तो इनकी जगह पे कोई और एडॉप्शन में दे सकता है जो उसका डीव जूरे गार्जियन है, एडॉप्शन में वो दे सकता है। ठीक, लेकिन पहले अगर फादर या मदर जीवित हैं तो उनका ही अधिकार है उसको एडॉप्शन में देने का, और कोई व्यक्ति एडॉप्शन में नहीं दे सकता। एडॉप्शन में ले कौन सकता है, कोई भी हिंदू ले सकता है, कोई मेल हो या फीमेल हो एडॉप्शन में ले सकता है। मैरिड होना जरूरी नहीं है, बैचलर है ले सकता है। मैरिड पर्सन अगर है तो हस्बैंड अगर ले रहा है एडॉप्शन में तो उसको वाइफ की कंसेंट चाहिए, वाइफ अगर एडॉप्शन में ले रही है तो हस्बैंड की कंसेंट चाहिए, बिना कंसेंट के दोनों पार्टी के एडॉप्शन नहीं हो पाएगा। वैलिड एडॉप्शन तभी होगा जब दोनों की कंसेंट होगी। ठीक, अगर कोई बैचलर अडॉप्ट कर रहा है तो डिफरेंसेस क्या होने चाहिए, डिफरेंसेस एज डिफरेंस है ऑपोजिट सेक्स में, ऑपोजिट सेक्स के केस में, बाकी अदरवाइज कोई एज डिफरेंस का केस नहीं है। इसके अलावा अगर आप मेल चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपका रियल सन नहीं होना चाहिए, सन सन नहीं होना चाहिए। अगर आप फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं तो रियल डॉटर नहीं होनी चाहिए या सन्स डॉटर नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग नहीं है आपके पास तभी आप अडॉप्ट कर सकते हो। अडॉप्टेड सन या अडॉप्टेड डॉटर कैसे होते हैं, रियल सन या डॉटर की तरह होते हैं, एग्जैक्टली वैसे। आपको मेंटेनेंस में क्या याद रखना है, मेंटेनेंस में याद रखना है कि किसका किसका अधिकार है। मेंटेनेंस का सबसे ज़्यादा जो चीज़ें या जो पूछी जाती हैं वो डिपेंडेंट्स की लिस्ट से पूछा जाता है। एक बार डिपेंडेंट की लिस्ट को देख लेना एक बार अच्छे से, वो पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस सेक्शन के हेड नोट्स एक बार पढ़ लेना कि ये इस सेक्शन में, वाइफ का कौन से सेक्शन में है, विडो डॉटर इन लॉ का कौन से सेक्शन में है, डिपेंडेंट्स का मेंटेनेंस कौन से सेक्शन में है, ये सारी चीजें आपको एक बार जरूर पढ़ लेनी है। देखिए माइनॉरिटी एक्ट के सेक्शंस में बस सेक्शन 7 ही पढ़ लीजिए, वो आपके लिए काफी है। सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 6, 7 और 9 पढ़ लीजिए, या 7 से 9 पढ़ लीजिए पूरा, ज्यादा बेटर है। तो 6 से 9 पढ़ लीजिए पूरा, आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो बस
गार्जियनशिप और माइनॉरिटी गार्जियनशिप में आपको क्या पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि गार्जियन कौन होता है, नेचुरल गार्जियन कौन होता है। तो नेचुरल गार्जियन ऑब्वियसली बात है फादर होता है, फादर के बाद मदर होती है, ठीक। अब नेचुरल गार्जियन के राइट्स क्या होते हैं, नेचुरल गार्जियन के पूरे अधिकार है, वो सब कुछ कर सकता है चाइल्ड के प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी और पर्सन से रिलेटेड भी। गार्जियन इनके अलावा कौन होता है नेचुरल गार्जियन के बाद की बात की जाए, तो नेचुरल गार्जियन के बाद कोई भी टेस्टामेंट्री गार्जियन पिक्चर में आ सकता है, यानी कि गार्जियन जो अपॉइंट किया गया है बाय विल, तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन गार्जियन की तरह कर लेगा अगर फादर या मदर दोनों ही नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि कोई भी कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है किसी पर्सन को एज अ गार्जियन, तो वो गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट होगा। ये लोग गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट या फिर टेस्टामेंट्री गार्जियन या डी जूरे गार्जियन अगर कोई है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, उस पर्सन की उस चाइल्ड के पर्सन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप डी फैक्टो गार्जियन के बारे में बात करें तो डी फैक्टो गार्जियन किसी माइनर की प्रॉपर्टी से को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो माइनर पे बाइंडिंग नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब आप समझ लें कि जो डिफरेंस है गार्जियन में, डी फैक्टो गार्जियन और डी जोरे गार्जियन में। हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे नहीं पूछे जाते हैं, इन पे आपको प्रश्न नहीं बनेगा, नहीं पूछा जाएगा। ये सब प्रश्न मेंस में, शॉर्ट में, ब्रीफ में कभी पूछे जा सकते हैं आपसे, अदरवाइज प्री में यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। नेचुरल गार्जियन कौन से सेक्शन में है ये पूछ लिया जाए, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेचुरल गार्जियन की क्या पावर्स होती हैं ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। चलिए, तो इतनी ही चीजें हैं हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में, इतने आपको करने हैं। आप सेक्शंस करिए, इन सेक्शंस को पढ़िए। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप कमेंट छोड़ देना कि सर ये परेशानियाँ हमें आई हैं, और आज आप ये काम कर लेना। देखिए, जितने भी लोग लाइव हैं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस ये करना बच्चों कि आप आज ये प्रोविजंस को रिवाइज़ कर लेना, इन दोनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर लेना, और रिवाइज़ करने के बाद जो भी परेशानियाँ आपको आती हैं वो आज ही आप कॉमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है। जब कमेंट आपका मिल जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि ये परेशानियां आपको आ रही हैं या ये चीज़ में दिक्कत है, तकलीफ है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड एक सेशन हम अरेंज कर लेंगे, आधे घंटे का, एक घंटे का। अभी हमारे पास टाइम है 2-3 दिन का। क्लैरिटी हो जानी चाहिए, प्रश्न अपने सारे क्लियर हो जाने चाहिए, ये आप हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें रोल आपका ज़्यादा है, आपको ये काम करना है। अगर आप कर लेंगे तो इससे अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सक्सेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, सक्सेशन में बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, सक्सेशन थोड़े से में बताया ही नहीं जा सकता, या तो सक्सेशन को पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने सक्सेशन स्टार्ट किया तो हाफ में नहीं छोड़ सकते, ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सक्सेशन में नहीं जा रहा हूँ। देखिए, वहाँ से आप सेक्शन 11, 12, 13, 14 कर लीजिएगा, फिर 18, 19, 20, 21 कर लीजिएगा। ये वो जो सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको सक्सेशन में बताया गया कि एयर्स को किस तरीके से सक्सेशन, मेल्स के एयर्स के का सक्सेशन क्या प्रोसेस क्या है, फिर फीमेल के सक्सेशन का, प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होगा, और लिस्ट जो है दोनों, उन लिस्ट को समझ लीजिएगा आप कि ये रिलेशन्स हैं जिनको सक्सेशन दिया जाता है, क्लास वन एयर्स, क्लास टू एयर्स, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। एग्नेट कौन होता है, ये एग्नेट और कॉग्नेट की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न भी आया था, तो एग्नेट कौन होता है ये समझ लीजिएगा, कॉग्नेट कौन होता है, जो सिर्फ मेल रिलेशन से जुड़े होते हैं वो एग्नेट होते हैं, जहाँ बीच में फीमेल रिलेशन आ जाता है वो फिर कॉग्नेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये डिफरेंस बेसिक्स है, बहुत ईजी सी चीज़ है, ये प्रश्न भी पूछा गया था, लेकिन आप इसको कर लेंगे, आपको ये याद रहेगा। इंटरनेशनल लॉ का देखिए, जीके अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इनजस्टिस होगा बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं शुभम सर के साथ कि क्या कर सकते हैं जीके के लिए, अगर कोई ऐसा सेशन कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे।
क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपका कुछ क्वालिफिकेशन उस सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं आपको जीए जीके जीएस के बारे में कुछ भी बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिफाइड होगा। दूसरी बात यह कि हाँ, इंटरनेशनल लॉ में एक सेशन ज़रूर लिया जा सकता है आपके उसके बारे में, तो शेड्यूल करके आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कोशिश पूरी करूंगा मैं कि इसके बारे में हो। हाँ, एक सेशन ज़रूर है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एक उत्तराखंड के ही जज हैं, रिटायर्ड, वहाँ के उत्तराखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी रहे हैं, उनका सेशन कल होने वाला है। वो आपसे उत्तराखंड जुडिशरी के बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। वो भी बच्चों को बहुत सालों से गाइड करते आए हैं, उनके पास भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनके पास से, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो कल का सेशन ज़रूर ज्वाइन करिएगा, 8:00 PM ये सेशन होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंट्रिकेसीज हैं जो वो आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो प्लीज़ कल के सेशन में भी ज़रूर आइएगा। लीनियल एसेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, देखिए मैं बता देता हूं आपको। लीनियल एसेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, ये एक पर्सन है। इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में ये ऊपर जाइए और इधर नीचे आइए। तो एसेंड करना मतलब क्या होता है, चढ़ना, ऊपर जाना। तो जितने भी लोग ऊपर हैं लीनियल एसेंडेंट हो गए। नीचे डिसेंड करने का मतलब क्या है, नीचे जाना। तो जितने भी लोग नीचे हैं वो लीनियल डिसेंडेंट हो गए। इसके फादर, इस व्यक्ति के फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये लोग क्या हो गए, लीनियल एसेंडेंट। सन, सन सन, सन सन सन, ये लोग क्या हो गए, लीनियल डिसेंडेंट हो गए। चलिए तो एंड करते हैं इस सेशन को यहीं पे। और एंड करने से पहले आप मुझे बता दीजिए कि क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं, आप लोगों को इन सेशन से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, आप लोग क्वेश्चन लगा करके आप लोगों ने कुछ देखा, कुछ सीआरपीसी के क्वेश्चन लगाए अभी, या फैमिली लॉ के भी क्वेश्चन लगाइए, क्या आपको इससे कुछ मदद मिल रही है, फ़ायदा मिल रहा है, ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए क्या कंटेंट लेकर के आना है यूट्यूब पे इसके बारे में सोच सकें, और हमें इससे हेल्प मिल सके कि भाई देखो ये बच्चों को चाहिए तो वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। चलिए तो इसी के साथ एंड करते हैं इस सेशन को। बहुत सारी बेस्ट विशेष आपको आपके एग्जाम के लिए मेरे तरफ से। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और फोड़ के आएंगे एग्जाम को, ये मुझे 100% पता है। चलिए फिर, बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस, जय हिंद।